गुड इवनिंग एवरीवन वेलकम टू दी क्लास 24 स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन सेशन के अंदर जहाँ पे अभी आज मेरे साथ इस समय आप करने वाले हो 2018 से लेके 2023 तक साइंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक समरी यानी कि समअप और ये चीज मैं रिपीट करूंगी काफी सारे सैटरडेज हम इसको लेके आएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के बारे में चीजों को पढ़ सको समझ सको जान सको ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं तो सबसे पहले इस क्लास को ज्वाइन करने वाले जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन लोगों को अभी तक जो बिगिनर है खासकर जो नया नया इस पूरी रेलवे के कुरुक्षेत्र में थोड़ा सा कूदे हैं इस मैदान में कूदे हैं जो अगर रेलवे के मिनिस्टर के हिसाब से माने तो ये एक साल का टाइम पीरियड है जो अब होने वाला है तो बहुत जल्दी जो है वो वैकेंसीज भी क्लियर होगी और बहुत जल्दी आपको तैयारी करने के लिए आप जो टाइम दिया गया है वो भी जुलाई से अगस्त के बीच में इसके पेपर का भी टाइम है रेलवे के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं आपको बता देती जुलाई अगस्त के आसपास इसके एग्जाम के होने के चांसेस हैं एज पर द कैलेंडर राइट और अगर कैलेंडर की बात करें तो आपके पास चार महीने ही बच रहे हैं फरवरी के बाद आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में अगर पेपर होता है तो अगर मार्च से लेके मैं बात करूं तो चार महीने और साइंस की मैं मानती हूं कि अगर कोई बच्चा मिनिमम तरीके से या जो बच्चा बिगिनर है जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए उसको साइंस की तैयारी करने के लिए कम से कम छह महीने का टाइम चाहिए और अगर मेरे पास यहाँ पे चार महीने का ही टाइम है तो याद रखिए ये वाला जो आपका सेक्शन है या जो हम कुछ कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर वो बहुत ज्यादा बिना एफर्टलेसली चीजों को लेके जाना पड़ेगा ये नहीं है कि यारे बहुत मेहनत लग रही है इतनी मेहनत कैसे कर रही है ये सारा मेहनत तो करनी पड़ेगी चीजों को आपको थोड़ा सा अपने आप को झोंकना पड़ेगा अब टाइम वो आ गया है कि आप चीजों को रिवाइज करना अच्छे से शुरू कर दो ठीक है चलिए शुरू करें क्वेश्चन के साथ और इस चैनल के ऊपर आपके जितने भी क्लासेस चलेंगे उनकी जो थ्योरी पार्ट होगा उनके जो क्वेश्चन पार्ट होंगे उनकी पीडीएफ आपको मिलेगी जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो सेशन है और भाई आज का जो थोड़ा गति है ना वो अपने को बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आज हम मैं आपको सौ क्वेश्चन करा रही हूँ अगर मैं बात कर रही हूँ दो से तेईस तक की तो पहले तो आज के सेशन में बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चन है बायोफिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए मैंने साइंस की जगह फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग अलग से नहीं लिखा है अलग अलग से नहीं करा है हम जो क्वेश्चन अभी करेंगे ना वो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के मिलके होंगे ठीक है तीनों के मिला के होंगे तो यहाँ पे एक तो बायोफिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पार्ट आएगा दूसरी चीज ये कि जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है उन सब पे हम वार करने वाले हैं उन सबको समझने वाले हैं तो एक क्वेश्चन नहीं है पूरे के पूरे सौ क्वेश्चन है जो आज आप मेरे साथ करने वाले हो यहाँ पे ठीक है कितने क्वेश्चन है हंड्रेड क्वेश्चन है जो आज आप मेरे साथ करोगे आप फटाफट करेंगे फटाफट रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे देखते हैं कितने बच्चों को कितने क्वेश्चन आते हैं एक्जैक्टली exactly क्वेश्चन है मैं हर बार ये नहीं बताऊंगी कौन सी ईयर का है क्या है कौन सी ईयर वाला जो है ना वो टॉपिक वाइज से शुरू हो जाएगा ठीक है टॉपिक वाइज से तो ये एक सेशन है कल हम जो इसी समय करेंगे वो हम ह्यूमन आई करेंगे ठीक है कल एक्जैक्टली आठ बजे आपको मेरे साथ आना है हम ह्यूमन आई वाला टॉपिक करेंगे और इसी से रिलेटेड जो उसके एमसीक्यूज़ है ना ह्यूमन आईज के वो भी करेंगे यहाँ पे ये पूरा पार्ट भी समझना है बाकी आप में से जिसको भी साइंस की फाउंडेशन कोर्स लेनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन उन बच्चों के लिए सबसे सब ज्यादा यूजफुल है जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के और जिन्होंने साइंस पढ़ी ही नहीं है पहली बार जो है वो रेलवे के एग्जाम के लिए ग्रुप डी की एन की या एएलपी की तैयारी कर रहे हैं अगर आपको साइंस आती है ऑलरेडी थ्योरी की तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे लगाइए हम यहाँ पे क्वालिटी तो मेंटेन करेंगे लेकिन साथ में हमको क्वांटिटी पे भी खेलना पड़ेगा अब आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के सेशन होंगे जो सौ क्वेश्चन दो क्वेश्चन चार क्वेश्चन इस चीज के सेशन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसकी पूरी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी साथ में आपको क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनकी भी आपको पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएंगे ई e बुक्स मिल जाएंगे थ्योरी की आपको पूरी बुक्स मिल जाएंगी यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आप मेरे साथ करोगे टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी और थ्योरी और क्वेश्चंस के पीडीएफ भी साथ में आपको मिलेंगे क्लास 24 फोर एप्लीकेशन पे जाइए यहाँ आपको ये यह क्लासेस देखने को मिल जाएंगी रेलवे सेक्शन में आपको रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन बैच मिल रहा है इस पर क्लिक करने के बाद एनरोल कर सकते हो सीधा क्वेश्चन पे आती हूँ मैं सीधा क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे और देखो हंड्रेड क्वेश्चन कवर करने हैं ठीक है हंड्रेड क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन जो है वो फिजिकल uh, प्रॉपर्टीज की बात हो रही है क्वेश्चन के ऑप्शन में एटम न्यूट्रॉन वगैरह लिखा हुआ है तो ये किसका क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है किसका है केमिस्ट्री का है तो आज आप इसको ऐसे कर लो बाकी जो हम मंडे से टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं मंडे से हम टॉपिक वाइज जो सेशन लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए वहां पे हम हर क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे कि ये कौन से एग्जाम में आया था ठीक है हर क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कौन सा है और आज के जो क्वेश्चन है वो आपके ए एल पी एन टी पी सी और ग्रुप डी तीनों एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ठीक है इसमें जो आज आप क्वेश्चन कर रहे हो वो ए एल पी में भी एल पी के भी मैंने उठाए हैं कुछ एन के उठाए हैं और कुछ ग्रुप डी के उठाए हैं को, कहीं पे तो आपको क्वेश्चन कोई ना इजी भी लगेगा कहीं पे थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा कहीं पे मॉडरेट भी लगेगा तो साइंस आपको हर लेवल पे पढ़नी है इसीलिए एएलपी एनटीपीसी और ग्रुप डी तीनों सेक्शन के होंगे जल्दी से ये रिवाइज ये जो सेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैं इसको बिल्कुल उस मंजिल तक पहुंचा सकूं या उन लोगों तक पहुंचा सकूं जिनको सच में इसकी जरूरत है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज पे निर्भर करती है आप 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 ऑप्शन जो दोगे वो आप ए बी सी डी करके देना है यहाँ पे जो भी ऑप्शन देना है ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड करती है देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी एटम जो है वो कैसा आपका दिखाई दे रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है वो छूने में कैसा है हार्ड है लिक्विड है सॉलिड है कैसा है चमक रहा है या भ्रंगुर किस तरीके से याद जो physical property होती है है वो किस पे निर्भर करती परमाणु के आकार पे साइज ऑफ एटम ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन से कभी भी नहीं न्यूट्रॉन से नहीं और प्रोटॉन तो किसी भी एटम के द्रव्यमान के लिए आवश्यक होता है कि उस एटम का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा अगर इसी क्वेश्चन में मैंने पूछा होता कि एटम का जो या फिर किसी भी एलिमेंट का जो द्रव्यमान है वो किस पे डिपेंड करता है तब आपने आंसर साइज ऑफ प्रोटॉन दिया होता यहाँ के लिए साइज ऑफ एटम ए आंसर होगा मैक्सिमम क्वेश्चन पहली मैक्सिमम बच्चे पहली क्वेश्चन पे ढेर हो गए देखिए एटम का रेडियस मैं आपसे अगर पूछूंगी तो आप सोडियम पे जो रेडियस है ना वो बड़ा लिखोगे जैसे आप यहां से यहां जाओगे यानी कि आप 11 से उस तरफ जाओगे या लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड टेबल टेबल की से, की से राइट साइड पे जाओगे तो आप लोगों के लिए जो आएगा वो ये आएगा कि एटम का रेडियस घटेगा एटम का रेडियस लेफ्ट से राइट साइड जाते समय क्या होता है घटता है याद रखिए एटम का रेडियस लेफ्ट से राइट जाते समय घटेगा इसीलिए इस तरफ की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी हैं मेटेलिक हैं यानी कि धातु हैं जब आप लेफ्ट से राइट right साइड आओगे तो राइट right साइड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नॉन मेटल की होंगी क्या होंगी नॉन मेटल की होंगी यानी कि अधातु की होंगी और आप ऊपर से नीचे आओगे तो रेट ए, एटम का जो रेडियस है वो बढ़ेगा यहाँ पे एटम का रेडियस सोडियम का इतना है तो फ्रेंश में आके इतना हो जाएगा। तो और यही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बताने का काम करता है पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने पर प्राप्त सोडा वाटर जो है वो क्या है अगर मान लीजिए कि पानी के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया सोडा वाटर एड कर दिया ठीक है थोड़ा मिला दिया पानी में सोडा वाटर तो क्या चीज जो है ना वो आपका नेचर जो है वो कैसा हो जाएगा देखिए पानी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है पीएच अगर मैं बोलूं तो पानी का होता है सेवन सेवन होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन जब आप CO2 पे आओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपके खासकर कार्बन और कार्बन की तो छोड़ दीजिए अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये क्या हो जाता है ये एसिडिक हो जाता है ठीक है ये एसिडिक हो जाता है और अगर एसिडिक है तो CO2 के मिलाने से जो पानी है वो एस न्यूट्रल के साथ अगर कोई एसिड चीज मिलेगी तो जो नेचर है वो भी कैसा हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसीलिए आपकी जितनी भी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं लिमका पेप्सी ये सब ये सब एसिडिक नेचर की होती हैं ठीक है इसीलिए मना भी किया जाता है पीने के लिए डायलिसिस किस चीज से रिलेटेड है किससे संबंध है तो ऑर्गन बताइए डायलिसिस होता क्या है जब हमारे शरीर में हमारे जो व्रक है हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करने में असफल हो जाती है फिल्टर नहीं कर पाती है चीजों को अच्छे से छान नहीं पाती है मैं साधारण भाषा में बोलूं तो यहाँ पे हमारा जो यूरिया है एक्स्ट्रा हमारे शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होंगे जो क्रिएटिनिन होगा वो हमारे शरीर में जमता चला जाएगा और धीरे धीरे किडनी जो है वो फेलियर वाली सिचुएशन पे आ जाती है तो जो डायलिसिस है वो उससे रिलेटेड होता है किडनी से रिलेटेड होता है और डायलिसिस के अंदर जिन लोगों की किडनी काम नहीं कर रही होती हैं जिनके किडनी नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं उनको फिर डायलिसिस पे रखा जाता है डायलिसिस में शरीर का पूरा खून को बाहर निकाला जाता है उसको आर्टिफिशियल तरीके से साफ कराया जाता है फिल्टर कराया जाता है और फिर वापस शरीर में भेजा जाता है तो डायलिसिस किससे रिलेटेड है किडनी से मानव रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है जल्दी जल्दी करें फटाफट देखिए ये क्लास को बिल्कुल गति से करने वाला तो तू जिस गति को है चला तो उस गति को पाएगा वाली क्लास करते हैं कि फटाफट करते हैं ऐसे क्वेश्चन हमको या ऐसी क्लासेस को फटाफट करना पड़ेगा जिनमें हमें सौ क्वेश्चन करने हैं तो आज के सेशन में आपको हंड्रेड क्वेश्चन करने हैं बढ़िया और सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं तो दिमाग में ये जरूर रखिएगा कि भाई ये क्वेश्चन एज इट इज आपके पेपर में भी उठ के आएगा या आ सकता है ठीक है अब ये बताइए ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा कितना है जो लोग 45 परसेंट आंसर कर रहे हैं वो मुझे ये बताइए कि अगर प्लाज्मा 45 परसेंट है तो इसका मतलब ब्लड सेल्स पचपन है तो आप जो है ना वो कम पानी में ज्यादा मिट्टी मिला सकते हो क्या आप कम पानी में चीनी ज्यादा मिला सकते हो क्या कम पानी में शुगर या नमक ज्यादा मिला सकते हो क्या नहीं आप लोग याद रखिए कि जो ब्लड होता है उसके दो कॉम्पोनेंट होते हैं ह्यूमन ब्लड मानव के दो कंपोनेंट होते हैं एक होता है प्लाज्मा जो उसका द्रव वाला हिस्सा होता है यानी कि फ्लूइड पार्ट होता है और एक होता है उसका सॉलिड यानी कि ठोस वाला हिस्सा जो उसके ब्लड सेल्स होते हैं ठीक है अब ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ये डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में तो बशर्ते आपका जो सॉलिड वाला पार्ट है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए सॉलिड वाले पार्ट की कभी मात्रा ज्यादा नहीं होती है इसीलिए सॉलिड 45 परसेंट है और लिक्विड जो है वो पचपन परसेंट है अब नहीं भूलोगे कंफ्यूजन होती है कई बच्चे बोलते हैं भाई इसमें ना हमको कंफ्यूजन होती है किस बात का कंफ्यूजन है सॉलिड 45 परसेंट लिक्विड पार्ट पचपन परसेंट है तभी तो इसमें घुलेगा ना आप 45 में पचपन कैसे घोल दोगे पचपन में 45 तो घोल दोगे लेकिन 45 में पचपन नहीं घोल पाओगे ना तो जब भी आपसे प्लाज्मा पूछा जाए प्लाज्मा पापा करके लर्न करो पा से पचपन प्लाज्मा, प्लाज्मा 45 तो नहीं हो रहा है करके 55 करके लर्न करिए 55 परसेंट होगा ठीक है 55%, 55 है, है. इस परसेंट के आसपास प्रोटीन एल्ब्यूमिन ग्लोबिन फाइब्रोनोजन और 1% होता है आयंस वेस्ट प्रोडक्ट गैसेस रेगुलेटरी मैकेनिज्म और जो आपके पास सेल्स है जो सॉलिड वाला पार्ट है उसमें आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट्स होते हैं यानी कि तीन चीजें पाई जाती हैं इनमें से कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये याद रखिए ये एंटा एसिड की तरह यूज किया जाता है अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा अपचन होती है गैस की समस्या है तो क्या करेंगे एसिड को यूज करेंगे एंटा एसिड कौन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मुला कैसे लिख जाएगा मैग्नीशियम के लिए एमजी लिखते हैं ओ OH एच लिख लीजिए और होल्ड वाइस कर दीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये एंटा एसिड होता है जो जो आपकी जितनी भी डाइजीन या ऐसी जो खाने को पचाने वाली जो जो सीरप्स आती है ना उन सब में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो इसी चीज की बनी है जैपनीज एंसेफेलाइटिस नाम की जो बीमारी है उसका कारण क्या है तो बीमारी आपकी वायरस पंजाई, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इनसे हो सकती है या फिर जो है हमारी हेरिडिटरी बीमारियां हो सकती हैं जो अनुवांशिक बीमारियां जिन्हें कहा जाता है या फिर हमारी डेली लाइफ स्टाइल से हो सकती है जैसे कैंसर जैसी बीमारी है या फिर जैसे अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया है ना तो आप याद रखें जैपनीज एंसेफालाइटिस किससे होने वाली बीमारी है वायरस भाई साहब ये क्वेश्चन सारे एग्जाम के हैं सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं 2018 से लेके 22 तक जो एग्जाम हुए हैं 23 तक इसमें से आपको नोट करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या फिर कौन से एरिया के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बायो के ज्यादा गलत हो रहे हैं फिजिक्स के ज्यादा या केमिस्ट्री के ये चीज नोट करनी है क्योंकि इसी के आधार पे हम काफी सारी चीजें क्लासेस जो है ना वो कंडक्ट करने वाले हैं में इतने से कौन सा एक एंजाइम नहीं है एंजाइम क्या होते हैं जो आपके शरीर में खाने को पचाने के लिए काम करता है ठीक है एंजाइम क्या है एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के अमीनो एसिड के हमारे शरीर में क्या काम करे मेजरली जो ये क्वेश्चन है वो खाना पचाने वाले खाना डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की बात हो रही है जिसमें से लाइपेज़ क्या कर रहा है ये फैट को बचाता है अमाइलियस क्या कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को बचाता है ट्रिप्सिन क्या कर रहा है प्रोटीन को बचाता है और ये तीनों एंजाइम्स जो हमने यहां लिखे हैं वो से 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 निकलते हमारी से निकलते है, से निकलते हैं 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 हमारी अग्नाशय ठीक है अब ये गैस्ट्रिन करके याद रखो गैस्ट्रिन जो होते हैं ना वो एंजाइम का नाम नहीं है गैस्ट्रिन जूसेस हैं जो हमारे स्टमक यानी कि हमारे अमाशय से निकल रहे हैं गैस्ट्रिन ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है अभी पीछे ही कराया मैंने ये क्वेश्चन ना कुछ क्लास में इनमें से कौन सा एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है हाँ गैस्ट्रिन एंजाइम होता है जूस नहीं होता है ये मतलब दिस इज नॉट गैस्ट्रिन एंजाइम जो होता है वो आपके स्टमक में जितने भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं जितना भी सप्लीमेंट यूज़ हो मास यूनिट एक एटम का जो यूनिट है वो कितने के बराबर होता है वो याद रखिए पहले तो एक बटा छा आठ ऐसी वैल्यू जो भी आ रही है उनको डिलीट कर दीजिए एक बटा बारह लिखिए और किसके बराबर कार्बन कार्बन में भी C12 लिखिएगा C14 नहीं कार्बन के भी ऑप्शन आते हैं एक बटा बारह सी के या C14 के तो एक बटा बारह सी के C14 के नहीं C12 के राइट right? ट्राइटियम निम्नलिखित में से किस तत्व का आइसोटोप होता है पहले तो आइसोटोप समझ आते हैं क्या आइसोटोप क्या होते हैं आइसोटोप केमिस्ट्री में एक डेफिनेशन है जो कि एटम एंड मॉलिक्यूल के चैप्टर में आता है आइसो का मतलब होता है समान यानी कि सेम आइसोटोप क्या होते हैं जब आपका एलिमेंट का जो नंबर है, है ना वो सेम रहे यानी कि एटॉमिक नंबर सेम रहे परमाणु संख्या जो है वो समान रहे लेकिन बदलेगा क्या बदलेगा मास नंबर अगर द्रव्यमान जो है है वो बदल रहा जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया कि कार्बन सी ट्वेल्व भी होता है और कार्बन फोर्टीन भी होता है तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो आपका छह ही रहेगा ना हर बार लेकिन क्या चीज बदल रही है वो मास बदल रहा है बारह और चौदाह चौदह और छे तो हमेशा देखो छे और छे तो सेम ही रहा ना यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन जो चीज बदल रही है वो है एटॉमिक मास और ये चीजें हैं इनको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं अब मैंने अगर ट्राइटियम पूछा है तो ट्राइटियम किसका आइसोटोप है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं एक होता है प्रोटियम एक ड्यूट्रियम और एक ट्राइटियम प्रोटियम का मतलब जब मास नंबर भी एक है और जो एलिमेंट का नंबर है वो भी एक है ड्यूट्रियम क्या होता है जब एटम का जो एलिमेंट नंबर है वो एक ही है लेकिन उसका द्रव्यमान दो है ट्राइटियम क्या हो गया एटम का द्रव्यमान तीन है और उसका एटॉमिक नंबर एक ही है तो हर केस में एटॉमिक नंबर या एलिमेंट नंबर सेम है लेकिन जो चीज चेंज हो रही है वो है उसका द्रव्यमान तीन दो और एक से भी एक चीज याद रख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सूरज की ऊर्जा होती है या सूरज की रोशनी जो होती है वो कैसे बन रही है या सूरज में आग कैसे लगी रहती है तो वो आपका ड्यूट्रियम और ट्राइटियम आपस में मिलते हैं ये भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछा हुआ है कि कौन से हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलके सूरज में रोशनी उत्पन्न करते हैं तो आप ड्यूट्रियम और ट्राइटियम लिखेगा। सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, में वो होता है प्रोटियम तो प्रोटियम सबसे ज्यादा पाया जा रहा है और जो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम है ये क्या है दो और तीन के साथ यहां पे आपका सूरज की रोशनी के लिए जरूरी है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो कितने के बराबर होती है इंजीनियर साहब होंगे कई सारे यहाँ पे तो इंजीनियर साहब को ये चीजें ज्यादा अच्छे से पता होती हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है कितने जूल के बराबर होता है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कि आप जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं अरे ये कई पूछ लिया ये याद रखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बताना है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वन पॉइंट सिक्स इन टेन इन रुपये माइनस नाइनटीन इंट टेन ए माइनस नईनटीन जून पॉइंट सिक्स इंटू टू माइन नई जोल करके याद रखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज है अच्छा पे ध्यान से देख लीजिए ग्रुप डी ने इस बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे जो कि आपके डायग्राम बेस थे बी तो तो पार्ट अच्छा, क्या है आइडेंटिफाई करने का काम यानी कि पहचानने का या फिर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि ये जो इमेज है वो बता रही है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब आप डायरेक्शन बता दो मुझे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो राइट right वेंट्रिकल से निकलेगा वो कहा की तरफ जाएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है मैंने सम अप कर दिया है जो ये फिगर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड बता ठीक है अभी आपसे कह रहे हैं कि जो राइट right वेंट्रिकल है उसमें जो खून है वो कैसा है वो डी है डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है अशुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है अशुद्ध का मतलब क्या है मतलब उसे मतलब गंदे हाथों से छू लिया ऐसा नहीं ना अशुद्ध का मतलब है कि सीओ टू रिच ब्लड है यानी कि उसके अंदर सीओ टू की मात्रा बहुत ज्यादा है अब अगर सीओ टू रिच ब्लड है तो वो राइट वेंट्रिकल से कहां की तरफ जा रहा होगा हमारे हार्ट से हमारा जो अशुद्ध रक्त होता है वो हमारे फेफड़ों में जाता है राइट वेंट्रिकल की माध्यम से यानी कि आपके निलय की माध्यम से ठीक है निलय के माध्यम से लंग्स को जा रहा है लंग्स अशुद्ध से शुद्ध करेंगे फिर दोबारा जब देंगे तो लेफ्ट ऑरिकल को देंगे यानी कि आलिंद को देंगे किसको देंगे आलिंद तो ये कहा जा रहा है टुवर्ड्स दी लंग्स अपर बॉडी क्यों लिखना है अपर बॉडी अगर ये सी ऑप्शन है ना तो मैं लिखूंगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से खून कहां जा रहा है जब ऊपर जा रहा है तो अपर बॉडी और लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से खून जाएगा नीचे तो वो लोअर बॉडी होगा टुवर्ड्स द लंग्स याद रखिए लंग्स को सफाई करने के लिए भेजे भाई अशुद्ध खून है इसको जरा शुद्ध कर दो इस ऑक्सीजन को थोड़ा सा इसमें ऐड कर दो तो मेरा खून शुद्ध हो जाएगा तो यहाँ पे फेफड़ों की ओर लिखिए फेफड़ों की ओर तापमान के बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है विद द राइज ऑफ टेम्परेचर दिटी ऑफ साउंड पिछले कुछ दिनों में जो आठ सेट किए हैं उनमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था तभी भी मैंने आपको बोला था ये पेपर का क्वेश्चन है है ना ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है बताइए अगर हम ध्वनि की तापमान के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या आपको लगता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है यानी कि ध्वनि की जो वेग होती है आप लोग याद रखिए तापमान के साथ डायरेक्टली प्रपोर्शनेट करती है क्या करती है डायरेक्टली प्रपोर्शनेट करती है डायरेक्टली अनुपात का मतलब क्या है कि अगर आपको आपने तापमान को बढ़ाया तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा तापमान को घटाया तो ध्वनि का वेग जो है वो घटेगा तो साउंड ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि अगर आपने राइज ऑफ टेम्परेचर की है यानी कि तापमान को बढ़ाया है तो ध्वनि का वेग जो है वो भी क्या होगा बढ़ेगा इसको याद रखिएगा बढ़ता है तापमान के बढ़ने पे बढ़ेगा तापमान के घटने पे घटेगा सिंपल सी चीज है ठीक है इन ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ए का क्वेश्चन है ये इन आ ट्रांजिस्टर ये देखो आपकी स्क्रीन पे जो लगे हुए हैं वो ट्रांजिस्टर हैं ठीक है ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं ये यूज किए जाते हैं एम्पलीफायर के रूप में ऑसिलेटर्स मॉड्यूलेटर्स स्विच में डिजिटल सर्किट में ये स्विच की तरह यूज किए जाते हैं तो ट्रांजिस्टर में ना तीन चीजें होती है ट्रांजिस्टर में एक होता है इस, इस वाले फिगर को देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में एक एमिटर होता है दूसरा बेस होता है और तीसरा कलेक्टर यहाँ पे देखो ये बेस बेस है है के एक तरफ जो है वो कलेक्टर जुड़ा हुआ है और एक तरफ एमिटर जुड़ा हुआ है इस वाले डायग्राम को देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो अगर आप ये क्वेश्चन में ना इस वाली चीज को ध्यान रखोगे ना तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा इसमें इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ट्रांजिस्टर के अंदर अब ऑप्शन देखो लेंथ ऑफ एमिटर इज ग्रेटर लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर बोथ कलेक्टर और एमिटर इनकी सेम लेंथ होती है कहीं पे भी बेस की लेंथ के बारे में नहीं पूछा तो आप लोग याद रखो बेस तो वैसे भी आपका अनकॉमन है बेस अलग से है जिसके साथ एम और कलेक्टर जुड़े हुए है ना आपको क्या याद रखना है कि जो कलेक्टर होता है वो एमीटर से बड़ा होता है कलेक्टर का साइज ज्यादा होता है निशी बिल्कुल ठीक आप सिंपल सा लर्न कर लो लेंथ ऑफ कलेक्टर लेंथ ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन एमीटर यानी कि एमीटर से बड़ा होता है ये मैंने जैसे बताया ये एम्पलीफायर मॉड्यूलेशन ऑसिलेशन इन सब लिए यूज किया जाता है डिजिटल चीजों में ये सर्किट या स्विच की तरह यूज किया जाता है तो यहाँ पे याद रखिए कि जो आपका कलेक्टर है ना उसका साइज हमेशा बड़ा होगा एम मीटर का छोटा होगा और ये कलेक्टर और एम मीटर दोनों बेस के साथ जुड़े हुए थे बराबर है ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा दिस इज अ ट्रांजिस्टर लेंस लॉ ये लॉ है कंजर्वेशन का किस चीज का एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी कैन क्रिएटेड नॉर ये आ, यही थ्योरी मैटर के लिए आइंस्टीन ने भी दिया था दैट मैटर कैन नीदर वी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड मतलब आप ऊर्जा को बना नहीं सकते हो ऊर्जा को मिटा नहीं सकते हो सिर्फ स्थानांतरित कर सकते हो वही चीज हम मैटर यानी कि पदार्थ के लिए बोलते हैं कि पदार्थ को आप मिटा नहीं सकते हो पदार्थ को आप बना नहीं सकते हो लेकिन आप पदार्थ को क्या कर सकते हो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हो लेंस लॉ याद रखिए लेंस लॉ का ये कहना है कि जो करंट

पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, कैसे निकालते है? Index, से निकालते हैं। से? है ये क्या कहता है और एक मीडियम की हमने बात की माध्यम की बात की तो एयर के रिस्पेक्ट में हमारे जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कैसे काम करते हैं हमारा पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33 क्या है 1.33 पॉइंट कहां से डिराइव होता है स्नेल्स लॉ से डिराइव होता है और जरा सारी वैल्यू देख लीजिए और मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं सब कुछ जो भी जितने भी ask, आपके क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स है वो सब रेलवे के जो रेलवा जो रेलवे जो मान्य रखता है ना वो एनसीआरटी को मान्य रखता है कहीं भी दुनिया में आप कोई भी चीज पढ़ा उठा लीजिए कोई भी महान से महान किताब उठा लीजिए अगर उसमें चीज अगर वन पॉइंट थ्री थ्री नहीं लिख के वन पॉइंट थ्री जीरो लिखी होगी ना रेलवे नहीं मानेगा क्योंकि रेलवे ना आपका एनसीआर को मानता है तो जितने भी आपके पास यहाँ पे डायग्राम्स होंगे फिगर्स होंगे स्टेटमेंट होंगी डेफिनेशन होंगी चार्ट होंगे वो सारे के सारे मैंने एनसीआरटी की किताबों से उठाए हैं इसीलिए आप लोग कोशिश करिए कि जो मैं आपको चार्ट्स वगैरह आपके पीडीएफ में लगा के देती हूँ आंसर में वो आपको पढ़ने हैं ठीक है जैसे देखो पानी का कितना होता है वन पॉइंट थ्री थ्री हवा का कितना होता है वन पॉइंट जीरो 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 तीन यानी कि तीन जीरो के बाद तीन है ठीक है तीन जीरो के बाद तीन है वाटर का कितना है 1.33 फ्यूज्ड ऑयल कितना डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है? है सबसे ज्यादा फोर टू है, है. इसीलिए हीरा है सदा के लिए सुना है ना आपने हीरा है सदा के लिए तो इसी वजह से हीरा क्या होता है चमकता है बहुत ज्यादा और चमकने का कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और दूसरा रीजन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो 2.42 करके याद रखिए निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक होता है रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग है ब्लड क्लॉटिंग फाइब्रोनोजन से बनती है फाइब्रोनोजन तब एक्टिव होता है जब कहीं से रप्चर हो जाती है और आपके आरबीसी निकलते रहते हैं इसमें अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा ब्लड क्लॉट नहीं होगा शरीर से खून निकलता ही रहेगा विटामिन के करके याद रखिये ब्लड क्लॉटिंग निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे प्रचुर मात्रा में स्रोत पाया जाता है अब बताइए सबसे पहले तो एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एसिड है एसिड है तो मतलब ये कुछ आपका जैसे सिट्रिक एसिड होता है ना सिट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड जहां पे आ जाती है एस्कॉर्बिक एसिड आपका एक विटामिन है ठीक है एस्कॉर्बिक एसिड आपका एक विटामिन है ये कौन सा विटामिन है विटामिन सी विटामिन सी हमारे सारे विटामिन में से दो विटामिन आपको याद रखने हैं बी और सी ये कैसे होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं कैसे होते हैं पानी में घुलनशील विटामिन कैसे हैं पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई अमरूद देख के नहीं लग रहा है ऑप्शन में से देख के नहीं लग रहा है क्या बात है एप्पल एन एन एप्पल एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे है Uh, सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है मेरे ख्याल अभी अमरूद आ है आपके मार्केट में अपार्ट फ्रॉम इट अगर मैं विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बोलूं तो आप आंवला याद रखिये गूसबेरी बोला जाता है इंडियन डॉक्टर बोलते हैं आंवला इस सीजन में आ रहे खा लीजिए विटामिन सी ठीक हो जाएगा अच्छा विटामिन सी का आपके शरीर के लिए सीधा सीधा फर्क क्या पड़ रहा है आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी अगर आप विटामिन सी कंज्यूम करते हैं यानी कि विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा आप खाते हैं एप्पल में मैलिक एसिड होता है कैरेट जो है वो विटामिन ए के लिए अच्छी होती है कैरेट यानी कि गाजर खाइए विटामिन ए बढ़ाइए आंखों को रोशनी दीजिए जो बीन होती हैं सेम की फली जो होती है दैट इज गुड इन आपके मिनरल्स में ज्यादा अच्छी होती है ठीक है खट्टे फ्रूट्स आपके सब विटामिन सी से अच्छे होते हैं मशरूम किस प्रकार के जीवों से संबंधित है मशरूम्स मशरूम को वैसे आप मशरूम लिख रहे हो लेकिन इसको हिंदी में कुकुरमुत्ता के नाम से जाना जाता है गांव में आप देखोगे जो घूर वगैरह होता है ना जो गंदगी होती है जहाँ पे कूड़ा जमा होता है वहां ये इकट्ठा होता है लेकिन आजकल अगर आप इधर की तरफ देखोगे मतलब हमारे शहरों की तरफ देखोगे तो मशरूम को हाइब्रिड तरीके से ग्रो किया जाता है और कहा जाता है मशरूम इज गुड इन प्रोटीन मशरूम जो है वो प्रोटीन के लिए अच्छा होता है तो मशरूम वैसे है क्या मशरूम फंगस की कैटेगरी में आता है मशरूम कवक में गिना जाता है

एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म में हमेशा ये जो राइबोज राइबो, राइबो ये जो है ना आपके राइबोज डीएनए आरएनए एन ट्रांसफर करते हैं पर क्या हमारे शरीर में होता है हमारे शरीर में होता तो आरएनए डीएनए दोनों चीज है लेकिन डीएनए हमारा अनुवांशिक पदार्थ की तरह काम कर रहा है जबकि आरएनए एक मीडिएटर है अगर मैं बोलूँ ये किस में पाया जाता है बैक्टीरिया में नो 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 बैक्टीरिया में डीएनए होता है आपके प्रोटेस्टा में नो 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 डीएनए होता है तो आर एन पाया जाता है आरएनए फिर आपका पाया जाता है सिर्फ कुछ वायरसेस के अंदर सब वायरसेस के अंदर नहीं कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए पाया जाता है और आपको याद रखना है एग्जैक्टली आर आपको याद रखना है आर एन डीएनए से कैसे अलग होता है आर के अंदर यू होता है लेकिन डीएनए के अंदर यू नहीं होता ठीक है ए पेयर करता है टी के साथ दोनों में अदने, 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 जो है वो थामीन के साथ पेयर करता है ग्वैनिन पेयर करता है सी के साथ ये चार बेस पेयर है जो डीएनए में मौजूद होता है लेकिन जैसे ही आपने बोला कि एडेनाइन था के साथ पेयर नहीं करके यूरेसिल के साथ पेयर कर रहा है यानी कि हमने बात कर दिया आर की किसकी बात कर दी आरएनए की बात कर दी ठीक है शीतल पेय में कौन सी गैस घुली होती है विच गैस इज डिजॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक विच गैस इज डिजोल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक शीतल पे में कौन सी गैस घुली होती, होती है अभी मैंने ऊपर बताई दिया आपके शीतल पेय कौन से वाले पेय हैं सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी वाली पे है भाई कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है कोई अच्छे पे शीतल पेय नहीं है ये आपके शरीर को पी जाएंगे ये वाले पेय हैं कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक्स अगर आपको देखना है ना कि कोल्ड ड्रिंक कितनी खराब होती है तो उसकी सारी गैस निकल जान दो उसके बाद आप पियो तो आपको लगेगा आप चीनी का घोल पी रहे हो जो कि कड़वा है कभी भी आपने कोल्ड ड्रिंक वैसी पी ही होगी सबने ही पी होती है है ना कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन होता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक की जो गैस है ना वो निकल चुकी है तो फ्रिज में बस ठंडा पानी जैसा कुछ बच गया है अब जब आप इस कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हो जिसमें से पूरी गैस निकल चुकी है तो वो एक तो आपको मीठी भी लगेगी साथ में खट्टी भी लगेगी ना ऐसे कुछ कड़वी सी फॉस्फोरिक एसिड तो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक हमको नहीं पीने चाहिए ये हमारी हड्डी को क्या करते हैं गलाते हैं सोनार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है सोनार और रडार ये दो चीजें हैं जिनको डिटेक्शन के लिए यूज करता है ठीक है सोनार और रडार इनको डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है अब ये जो सोनार है उनमें क्या रेज को यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक हाँ अल्ट्रासोनिक रेज जो है ना उनको यूज करते हैं ठीक है थीके? ब्लैक वाली फिर भी बहुत अच्छी लगती है एकदम चिल्ड वाली ना जिसमें गैस हो याद रखिए कि आपकी ये जो ये है ना आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स है खतरनाक तरीके से आपके शरीर को खराब करती है मतलब दो चीजें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए ना वो मैदा और सीओ टू आ, सीओ टू रिच चीजें हैं जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक जो है तो अच्छी तो बहुत लगती है वही मैंने आपको बताया ना जो चीज आपकी जबान को स्वाद दे समझ जाइए वो आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा खराब है ठीक है जो जबान को स्वाद दे वो चीज बहुत खराब है शरीर के लिए ये बात समझनी पड़ेगी एनी विच वेज सोनार में जो तरंगे यूज होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं अल्ट्रासोनिक क्या होती है अल्ट्रासोनिक साउंड एंड नेविगेशन साउंड एंड एंडगेशन रेंजेस कहा जाता है सोनार को निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र द्वारा विचलित किया जा सकता है ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कौन सी रेज ऐसी हैं जिनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के विचलित कर सकते हो एग्जैक्टली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार की फुल फॉर्म याद रखिएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हाँ वही दो चीजें जो शरीर के लिए खराब होती है वही अपने को अच्छी लग रही होती है एनी विच कोई दिक्कत नहीं है पीजिए जब तक टाइम है तब तक पीजिए अल्फा रेस करके याद रखें रेस जो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन की बनी होती है इंपॉर्टेंट ये है जो मैं अभी बता रही हूं एल्फारेस दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन की बनी होती है आपसे पूछते हैं एग्जाम में थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछने की कोशिश की तो रेस दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन की बनी होती है इनको आप इजीली क्या कर सकते हो डेविएट कर सकते हो क्या कर सकते हो आप इजीली इनको डेविएट कर सकते हो ठीक है डेविएशन की जा सकती है डेविएशन मतलब विचलित मतलब अपनी जो उसकी खुद की जो डायरेक्शन है उससे आप डेविएट कर दो यानी कि उसके एंगल में आप चेंज ला सकते हो जबकि गामा रेज रेज में आप ये विचलन नहीं कर सकते हो एक चीज तो ये कि क्वेश्चन का आंसर है एल्फारेज रेज विचलित नहीं हो सकती रेज विचलित नहीं हो सकती दूसरा चीज आपको लर्न करना है इसी क्वेश्चन में जो एक और क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर भेदन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यहाँ पे किसकी होती है वेदन क्षमता पीरियोडिक टेबल की क्लास अच्छा आप मुझे बताओ पीरियोडिक टेबल की जब तक मैं आपको आ, पहले ये शेड्यूल था कल के लिए पीरियडिक टेबल करा मैं अभी भी सकती हूँ कल सुबह अपन कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल दो क्वेश्चन लेकिन आप मुझे बता दो क्या आपको पता है डॉबरिया ट्राइड क्लियर है आपको न्यूलैंड ऑक्टेव क्लियर है मेंडली पीरियडिक टेबल आपको बिल्कुल क्लियर है हेनरी मोजले जी आपको बिल्कुल क्लियर है आपको थोड़े से जो ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल के क्या वो क्लियर है अगर आपको पांच चीजें ये क्लियर है तो आपसे कल करवा लो क्लास क्लास की टेंशन नहीं है इस क्लास के खत्म होते ही करवा लो मुझसे पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बोल दिया कि इस सेशन इस में या इस चैनल के ऊपर आपको अगले चार महीने में कम से कम पांच से छह सात हजार क्वेश्चन में आपको साइंस के कराने वाली हूँ कोई साइंस की किताब क्वेश्चन की आपको जरूरत नहीं है कोई थ्योरी अलग से आपको यहाँ पे ऐसा ढूंढने की जरूरत नहीं है मैं आपको इसी चैनल के ऊपर कम से कम छह से दस हजार क्वेश्चन साइंस के कराऊंगी मिनिमम छे हजार तो है लेकिन आप करो आप दो सौ क्वेश्चन करो अपने आगे पांच सौ क्वेश्चन की सीरीज ला रहे भाई अगले हफ्ते दो सौ क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल और उसके अगले हफ्ते पांच सो क्वेश्चन की सीरीज में लेके आ रही हूँ पांच घंटे कर पांच घंटे जो है ना वो करके यहाँ पे खड़े रहेंगे और पढ़ेंगे पूरा का पूरा साइंस मतलब पर आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ना थ्योरी पढ़नी पड़ेगी पहले पीरियॉडिक टेबल के इस पूरे हफ्ते मंडे से लेके फ्राइडे आपके पीरियडिक टेबल के ये पांच टॉपिक की थ्योरी आने वाली है उसके बाद जो है वो छठे दिन आप मेरे साथ करना ठीक है छठे दिन जो है ना वो मेरे साथ आप पीरियॉडिक टेबल करना क्वेश्चन साइंस में मैं आपको इतने करा सकती हूँ इतने करा सकती हूँ कि पांच पांच घंटे में डेली भी क्लास ली ना तो भी क्वेश्चन मेरे पास इतने हैं कि वो खत्म ना हो लेकिन बशर्ते आपको चीजें समझ भी आनी चाहिए आप देखो एक चीज मुझे बता दो मैं अगर आपको जैसे कई बच्चे ये बोलते हैं कि मैम थ्योरी बहुत जरूरी है माना थ्योरी जरूरी है करनी भी आपको चाहिए पर ये बता दो क्या सिर्फ थ्योरी करके आप एग्जाम के लिए जा सकते हो आप में से कोई एक ऐसा सिंगल बच्चा मुझे ये हाँ करके बता दे कि मैं सिर्फ थ्योरी करके रेलवे का एग्जाम देने जा सकता हूं बता दो चाहे वो कोई भी चैप्टर है भले ही मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी करा दी आपको लेकिन मैं बोलूंगी आपको कि थ्योरी करके भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम की थ्योरी मैंने बता दी और आपने कर लेकिन मैं आपसे ऐसा कोई ना कोई सवाल ला दूंगी जो आपको थ्योरी पढ़ने के बाद भी नहीं आएगा इसीलिए जो मंडे से आपकी थ्योरी वाइज टॉपिक की जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं ना वो आप पढ़ना आपको समझ आएगा राइट ये बताइए कि यहाँ पे भेदन क्षमता के लिए मैंने बात की भेदन क्षमता तो भेदन क्षमता गामा रेस की सबसे ज्यादा होती है ठीक है पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेस की और न्यूट्रॉन की बराबर होती है ये तो हमने पढ़ा था ना सबसे ज्यादा गामा रेस और न्यूट्रॉन की होती है उसके बाद आपके बीटा और एल्फा आते हैं ठीक है थीके? बीटा और एल्फा पहले आप थ्योरी के कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ लो डू लेकिन नुमैरिकल कैसे करोगे नुमैरिकल्स कैसे करोगे जब तक नुमैरिकल्स की क्लास होगी जब हम हम फॉर्मूले की क्लास कर लेंगे हर चीज आप लोगों के लिए देखो मैंने प्लान कर रखी है मैंने आप आज सुबह जो एक वीडियो किया था सरप्राइज वाला उसमें मैंने हर चीज डिटेल में बता दी है अगले तीन हफ्ते क्लासेस कैसे चलने वाली है तो मेरे पास यहाँ पे अगले तीन हफ्ते का पूरा एक सीरीज बनी हुई है वो मैं आपको दे भी दूंगी आप चाहोगे तो मैं पूरा तीन वीक्स का आपको टाइम टेबल बता दूंगी लेकिन बस आप जुड़े रहो ठीक है चलिए ऐलिए वाइट इज इजियर टू स्विम देखो हंड्रेड क्वेश्चन करने पहले क्वेश्चन करते हैं फिर अपन ये सारी चीजों को भी डिकोड कर लेंगे कि कैसे क्या करना है समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है वाइट इज ईजियर टू स्विम इन सी वॉटर समुद्र के पानी में तैरना आसान अच्छा क्यों लिखा है सम, समुद्र लिखा है तो मतलब ये कंपैरेटिव मोड है रिलेटिव टर्म में बात हो रही है रिलेटिव टर्म में बात हो रही है तो ये पानी नदी के से कंपेयर हो रहा है नदी का या फिर जो तालाब होते हैं उनसे ये कंपेयर किया जा रहा है तो हमें पानी में समुद्र के पानी में तैरना आसान इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन एनी ऑर्डिनरी वाटर इसमें सारा खेल डेंसिटी का है ठीक है अब इसी में एक चीज और ऐड कर देते हैं आपने डेड सी पढ़ा है जो जॉर्डन और इसराइल के बीच में आता है डेड सी जॉर्डन और इसराइल के बीच में आता है ये डेड सी की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप उस पानी में जाओगे तो आपको स्विमिंग आती है नहीं आती आप आप किताब लेके पढ़ सकते हो उतना ज्यादा उसका डेंसिटी है कि आप ऐसे फ्लोट होते हुए जाओगे नाव की तरह क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये तैरना नहीं तैरना ये घनत्व तो पे निर्भर करता है किसी पानी के अंदर एक छोटा अगर मैं बड़ा सा प्लास्टिक का ढक्कन डालूंगी वो तैरेगा लेकिन मैंने छोटी सी लोहे की कील डाली तो वो डूब जाएगी क्यों भाई डेंसिटी का खेल है ना सारा का सारा जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है जब प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बताइए सबसे कम विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा है सबसे कम ये डेविएशन एंगल है इसको हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन लाइट चैप्टर में ही आपका पूरा आएगा फिजिक्स का टॉपिक है ये मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती भी जाती हूँ कौन से सब्जेक्ट का है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो प्रिज्म के अंदर जो है वो रिफ्रैक्शन होता है क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है और साथ में रिफ्लेक्शन भी होती है तो अगर ये एयर से ग्लास में गया तो ये बेंड होगा और ग्लास से फिर जब ये एयर में जाएगा तो थोड़ा उठेगा लेकिन जब व्हाइट लाइट को आप ग्लास के थ्रू निकालोगे तो यहाँ पे बन जाता है विव ग्योर क्या बन जाता है विव ग्योर अभी विव ग्योर जो है वो क्या है रेनबो के कलर्स विवगो विवग्योर क्या है यह है रेनबो के कलर्स रेनबो क्या है ट इंडिगो और ग्रीन ऑरेंज ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड तो जब ये प्रिज्म के थ्रू निकलेगा तो यहां पे आप देखो कि ये जो सात रंग निकलेंगे इनका सीक्वेंस होगा उल्टा कैसा उल्टा ऐसे लिखो वेव ग्योर लर्न करने का यही तरीका है प्रिज्म के अंदर जब निकलेगा ना तो ये ऐसे निकलेगा यानी कि सबसे कम विचलित कौन होगा लाल रंग होगा सबसे कम विचलित जो रंग होता है सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है लाल रंग इसीलिए इसको रेड लाइट में यूज किया जाता है क्यों जो लाइट होती है आपकी रोकने वाली बत्ती पे है ना वो कौन सी होती है लाल होती है लाल इसीलिए ना कि दूर से भी आपको दिख जाए क्योंकि डेविएट नहीं होता अगर ये मान लो कि आपकी नीली बत्ती बना दी होती है या वॉयलेट रंग बना दिया होता तो बहुत दूर से आपको दिखता नहीं फिर आप कहते हैं अरे भाई मुझे तो ये दिखा ही नहीं इसलिए हमने क्रॉस कर लिया तो प्रिज्म में हमेशा उल्टा लेके जाना है यानी कि वी नीचे लिखना है आर जो है ऊपर लिखना है सबसे कम विचलित होता है लाल और बैगनी जो है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है सबसे ज्यादा हालांकि इनकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड होता है ये विचलन जो है ना वो डे, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ये भी याद रखिएगा इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है इम्यूनोलॉजी फादर अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज जो तारीख है वो क्या है आपकी चौबीस फरवरी है ना चौबीस फरवरी के ही दिन चौबीस फरवरी के ही दिन सर रॉबर्ट कोच के द्वारा हालांकि आंसर रॉबर्ट कोच नहीं है लिख नहीं दीजिएगा आधे बच्चे भी रॉबर्ट कोच ही लगा देंगे टिक यहाँ पे रॉबर्ट कोच जो होते हैं उन्होंने क्या कर दिया रॉबर्ट कोच के द्वारा एक थ्योरी याद रखे रॉबर्ट कोच ने आज ही के दिन 1882 में आज ही के दिन 24 फरवरी 1882 में रॉबर्ट कोच ने जो टीवी होता है टीवी जिसको हम क्या बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम के द्वारा जो कॉज होता है उसके खोज की थी क्या की थी खोज की थी तो रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ठीक है फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में इम्यूनोलॉजी जब लिखा है तो हमने एडवर्ड जेनर लिखा है क्यों भाई क्यों है अब दोनों का अंतर समझना जब आपसे रॉबर्ट कोच पूछा जाता है तो ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे जीव तो ये जो uh, है ये है बैक्टीरिया इन इस इन्होंने बताया कि जो टीबी होती है ट्यूबर क्लॉसेस होता है ये किसके द्वारा होता है माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है तो हमने इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव के जनक का पाश्चर कौन थे जिन्होंने पाश्चराइजेशन की टेक्निक बताई और बैक्टीरिया के बारे में बताया कौन थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था कि खून और शरीर में ऐसा ए बी और एबीओ ग्रुप में हो सकता है और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर है क्यों क्योंकि इन्होंने पहली वैक्सीन बनाई थी क्या बनाई थी पहली वैक्सीन किसके लिए बनाई थी पॉक्स के लिए पहली वैक्सीन के लिए बनाई थी इम्यूनोलॉजी के जनक इनको कहा जाता है ठीक है इम्यूनोलॉजी के जनक निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है नेचुरल पॉलीमर देखो पॉलीमर क्या होते हैं जहां पे बहुत लंबी कार्बन की चेन होती है ठीक है आपके पास बहुत सारे कार्बन है कार्बन वन कार्बन सेवनटी कार्बन सेवनटी uh, कार्बन वन वन uh, अगर आपके पास बहुत सारे कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं तो हम उसको पॉलीमर कहते हैं ठीक है लेकिन नाइलॉन पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफलॉन आपके आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं टेफलॉन की कोटिंग किस पे की जाती है जो आपके नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उन पे टेफलॉन की कोटिंग की जाती है आप सेल्यूलोस करके याद रखो सेल्युलस पौधों में होता है और ये हमारा नेचुरल पॉलीमर होता है यानी कि कार्बन की एक लंबी सी चेन जो है वो कही जाती है ठीक है कार्बन की लंबी सी चेन ब्रास इज एन अलॉय ऑफ पीतल किसका मिश्र धातु होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ब्रास पूछा जाएगा एक ब्रॉन्स पूछा जाएगा ये दो होते हैं ब्रास पीतल लिखा रहता है ब्रॉन्स के लिए ये लोग तांबा लिखते हैं यहाँ पे या कान से लिखते हैं कान से पदक मिलते हैं ना आपको याद है ना मेडलिस्ट जीतते हैं तो उनको कौन से पदक मिलते हैं कान से पदक ब्रॉन्ज के तो ब्रास किस चीज का बना हुआ है ब्रास किस चीज का बना हुआ है नाइलॉन हाँ बिल्कुल जिसके रस्सी वगैरह बनती है ना उसके लिए बोलता है ब्रास किस चीज़ का बना हुआ है बनता कॉपर और जिंक का किसका बनता है कॉपर और जिंक का बनता है क्या क्या जिंक जिंक का बनता है गया? नहीं नहीं कॉपर और पे दो चीजें लर्न करनी है जब मैं आपसे ब्रॉन्ज पूछूंगी ब्रॉन्ज तो ब्रॉन्ज में जेड नहीं आएगा ठीक है ब्रॉन्ज में जेड नहीं आएगा है ना कई लोगों को कंफ्यूजन है इसलिए मैं दोबारा लिख रही हूं ब्रॉन्ज जब मैंने लिखा तो ब्रॉन्ज में जेड आता है लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है उसमें जेड नहीं आता तो मैंने कॉपर और टिन अगर लिखा तो मेरे पास बन गया ब्रॉन्ज जब मैंने ब्रास लिखा तो कॉपर और जिंक क्या लिखना है कॉपर और जिंक तो आंसर ए ही है ऑप्शन ए ही सही आंसर है यहाँ पे आप कॉपर uh, और टेन लिख लीजिए सी यू प्लस एस एन और जब कॉपर और जेड एन हो तो ब्रास लिखना है मतलब जो आपके जिसमें जेड आ रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जेड नहीं है जिसके नाम में जेड एस आ रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जिंक है ऐसे लर्न करना है ब्रास इज कॉपर प्लस जिंक ब्रॉन्स इज कॉपर प्लस टिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी ऐसे आप मार्क कर लीजिए ये हमेशा आया है और फिर दोबारा आपको पूछा जाएगा परसेंटेज पूछी जाएगी या चीजें आपसे पूछी जाएंगी साल अमोनिया या सेल अमोनिया इसका रासायनिक सूत्र क्या है फिर से वही वाली बात ये केमिकल फॉर्मूले हम अलग से करेंगे अप्रोक्सीमेटली केमिस्ट्री में जो फॉर्मुले हैं जो मैंने पूरा बुक निकाल के या आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से जो निकाले हैं उसमें 304 फॉर्मूले टोटल मेरे पास निकल के आए हैं ठीक है इसीलिए मैंने आपको बताया भी है कि हम 300 क्वेश्चन की क्लास करेंगे हर छोटा से बड़ा ठीक है हर छोटा से बड़ा है ना हर छोटे से बड़ा ये याद रखिए ये बताइए वट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सैल अमोनियम करेक्ट वन मंथ लेफ्ट फ्रॉम टूडे अच्छा यस yes, एग्जैक्टली exactly. समझ गई ना मैं यहाँ पे फरवरी चौबीस अच्छा फरवरी चौबीस जनवरी फर, जनवरी चौबीस चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है लोगों को याद रहता है मैं तो कभी कभार भूलने की कोशिश करते हुए ये सब प्रिंसी है ना चलिए बताइए रासायनिक सूत्र साल अमोनिया अमोनिया क्या होता है अमोनिया देखो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मुश्किल नहीं है बहुत आसान है क्यों क्योंकि आपको अमोनिया पता है अमोनिया की एन एच फोर होती है आप कोई और है क्या ये है लेकिन इसको काट दीजिए क्योंकि जब हम साल अमोनिया लिख रहे हैं अमोनिया लिख रहे हैं तो उसमें क्लोरीन होता है एनएच फोर सी एल एन एच फोर सीएल ये अमोनियम uh, क्लोराइड का एक कॉम्पोजिशन है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, the the pascal, है इन टू द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वान्टिटी इज नॉट पास्कल फिजिक्स का क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन uh, है जिसमें यूनिट पास्कल नहीं है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्रेशर स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूल अब भाई सिविल इंजीनियर्स है ना यहाँ पे कई लोग सिविल इंजीनियर्स है ना वो मुझे बता दीजिए जरा इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी यूनिट आप पास्कल तो नहीं लिखोगे इनर्शिया की आप कोई यूनिट लिखते हो क्या नहीं आप इनर्शिया के लिए कोई यूनिट नहीं लिखते हो इनर्शिया वो फोर्स है वो बल है जो किसी भी रुकी हुई चीज या फिर किसी हुई चलती हुई चीज पे लगाया जाता है ताकि उसको आप या तो रोक सको या चला सको तो इनर्शिया के लिए आप कोई यूनिट नहीं लिखते हो जड़त्व आघूर्त है ना Which law of thermodynamics says that the energy can neither be created nor be destroyed? It can be transferred only from one form to another. So, नया ना आपने यहाँ पे आ, देखे यहाँ पे क्या है? Which law of thermodynamics? यहाँ पे thermodynamics का ऐसा कौन सा law है जो ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है ना ही ऊर्जा को यहाँ पे बनाया जा सकता है. It can neither be created nor be destroyed. ठीक है? Nor be destroyed. ये जो है ना वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक फॉर्म से अनदर प्रिंसी प्रिंस अच्छा उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है ठीक है समझ ही गई मैं तो अब तो मैं समझ ही गई मुझे लगा ये वही तारीख है जब किसी एक प्लेटफॉर्म को अलविदा करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की बारी थी एनी विच वेज ये बताइए यहाँ पे कि अगर आपका लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात कर दी जाती है तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड और ये बात फैक्ट है देखो दो चीजों के लिए बात आती है एक तो बात आती है ये एनर्जी के लिए और दूसरी आती है मैटर के लिए यानी कि पदार्थ के लिए एनर्जी को ना ही मिटाया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है इसको स्थानांतरित कर सकते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था सेम फॉर मैटर पदार्थ को ना तो बना सकते हो ना मिटा सकते हो इसको बदल सकते हो एक ही एक अवस्था से दूसरे ना शरीर वाला आत्मा अमर है ना तो आत्मा को मिटाया जा सकता है ना ही आत्मा को बनाया जा सकता है आत्मा बस स्थानांतरित होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में कितना कोरिलेट कर रहा है ना ये बात आपको कौन कह रहा है? ये बात थर्मोडाइनमिक्स का पहला लॉ कहता है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ऊष्मा गति का पहला लॉ जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है किस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊष्मा गति का पहला नियम ऊर्जा के संरक्षण पे है पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल गैस त्रासदी इससे एक एक भी है ना 98, 1984 साल था जब एक प्लांट में से पूरी कुछ लोगों की गलती की वजह से या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसके ऊपर कोई रूल्स लागू नहीं किए जा रहे थे जिन लोगों को उस प्लांट को चलाने की ऑपरेट करने की समझ भी नहीं थी उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी उन लोगों को पूरा इतना भयंकर टैंक जो है वो जो है उनको हैंडल करने के लिए दिया जाता तो रेलवे मैन अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि हाउ इट स्टार्टेड और हाउ इट हाउ इट गोज राइट 1984 ठीक है 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको हम एम के नाम से जानते हैं मूवी भी देखी होगी उसमें बहुत क्लियरली दिखाया है मिथाइल आइसोसाइनेट का पूरा फॉर्मूला क्या कहता है सी एच थ्री एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ ये फॉर्मूला लिख लीजिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए अच्छा साइंस की टीचर अगर आत्मा की बात करती है तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है क्यों मेरे अंदर आत्मा नहीं है क्या आपके अंदर आत्मा नहीं है क्या जब एक आपका ना थ्योरी समझिए ये स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी है जो मुझे साइंस में सबसे सर्वोच्च किस्म का कोई भी साइंटिस्ट लगते हैं ना तो स्टीफन हॉकिंस लगते हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था जिस दिन आप साइंस को अपने लेवल पे पूरा समझ जाओगे अपने लेवल बाकी कोई लेवल नहीं है साइंस का हिस्ट्री का ज्योग्राफी का हर एक सब्जेक्ट का मैथ्स का रीजनिंग का हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लेवल है लेकिन साइंस का कोई लेवल नहीं है वो बियॉन्ड द पार है, है ना ब्रह्मांड में भी है जिस दिन आप साइंस अपने लेवल से सबसे ऊपर समझ जाते हो ना आप उस दिन से भगवान पे विश्वास करने लग जाओगे सो आई बिलीव इन ना मुझे तो याद रहता है है ना आत्मा के बिना कोई चीज नहीं भाई मेरी आत्मा निकल गई तो मैं तो मर जाऊंगी आत्मा है तब तक मैं हूं ना मेरी आत्मा चलेगी तो मैं कई करूंगी मैं तो मर जाऊंगी जिस तरीके से आपको ये विश्वास हो सकता है कि एक आलू जो कि अलग से रखा हुआ है देखो इफ यू बिलीव इन दिस साइंस में अगर आप किसी और चीज पे बिलीव करो नहीं आप इस चीज पे बिलीव करोगे ना एक आलू कोने में रखा था काफी टाइम से सड़ गया रखे रखे कीड़ा उसमें बाहर से कोई गया नहीं लेकिन उसके बाद भी उस सड़े हुए आलू के अंदर लिविंग चीजें हैं उस इन इन नॉन लिविंग चीज के अंदर लिविंग चीज है उसके अंदर कीड़े बन जाते हैं आप दस दिन एक आलू को कोने में रख दो ग्यारहवें दिन आप उठाओगे ना सड़े हुए आलू को उसके अंदर ऐसे कीड़े होंगे सफेद रंग के कहाँ से बन रहे हैं वो कौन दे रहा है आपको कीड़े साइंस दे रही है क्या साइंस ही दे रही है याद रखे ये चीजें आपको हेल्प करते हैं ठीक है चलिए द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज मिथाइल आइसोसिन आइसोसाइनिट फॉर्मूला लिख लीजिए सी टू एच थ्री सी टू

100 इलेक्ट्रॉन इस इन इट इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सारी चीजें ठीक है पहला ही ऑप्शन गलत है सी पे क्या पूछ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे आगे इसका क्वेश्चन का आंसर करिए इन इल्वा इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं द रियल इमेज फॉर्मड बाय कॉनकेव मिरर स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन बताइए कितने लोगों को यहाँ पे लाइट चैप्टर जो है ना यहाँ पे लाइट चैप्टर जो है वो क्लियर है कितने लोगों को ये लगता है कि फिजिक्स का लाइट चैप्टर हमें आता है और कितनों को लगता है नहीं आता है क्योंकि मुझे एक चार से पांच घंटे की क्लास सिर्फ लाइट चैप्टर की अरेंज करनी है तो वो मैं इसी बात पे करूंगी कैसे होता है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन एड होता है भाई इसको कंफ्यूजन मत बनाओ ऑक्सीडेशन क्या है ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण क्या है ऑक्सीकरण क्या है ऑक्सीजन का ऐड होना अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा जब मैं बोलूंगी रिडक्शन रिडक्शन क्या है माइनस ओ टू प्लस एक्सी हाइड्रोजन का ऐड होना लर्न लर्न करिए करिए पे बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये बताइए कनकेव मिरर इज स्मॉलर मिरर एक ऐसा एग्जाम्पल है पे आपके पास हर तरीके की इमेज बनती है आपके पास इमेज छोटी भी बनती है बराबर की बनती है और बड़ी भी बनती है तीनों बात समझ गए हैं तीनों बात समझ गए छोटी बनती है जब आपने इस ऑप्शन का आंसर दिया इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो ये वाली इमेज है जब बराबर की बनती है तो आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा है जब आपकी इमेज बड़ी बन रही है तो आपके एफ और पी के बीच में जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे ख्याल जो बच्चे इस चैप्टर को समझ रहे हैं वो मेरी तीनों लाइनों को समझ चुके हैं जो मैंने अभी बोला है मिरर में जो इमेज है वो स्मॉलर किस केस में बनती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल एंड डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे सी करके याद रख लीजिए नुमेरिकल तो आप बाद में लर्न करेंगे ना एट अ अच्छा ये बी ऑप्शन है एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि मैं इसको बना के दिखाऊंगी तभी आपको समझ आएगा इसको ऐसे अंधकार में नहीं छोड़ेंगे नहीं तो गड़बड़ होगा देखिए ये आपका कनके महा पे आ गया आपका पी ठीक है आपने इसको यहां से पॉलिश कर दिया इसका मतलब इमेज इस तरफ है ठीक है ये आ गया फोकस ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपकी इमेज छोटी बन रही है तो वो तब बनती है जब वो यहां बनती है और इमेज यहां तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है और इंफिनिटी के आसपास रहता है Infinity पे बनेगा तो ऑब्जेक्ट एफ पे बनता है लेकिन अगर सी के पीछे बनेगा तो ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा और एफ और पी के बीच में बनेगा जो कि ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठीक है डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा इसका डिस्टेंस है ठीक है चलिए बताइए कैडमियम पोल्यूशन किसके साथ एसोसिएट करता है कैडमियम पॉल्यूशन

थ्रू फ्लड लैम्प इज फाइव एम्पियर वास्ड इन टेन सेकेंड चलिए बताइए. आगे बताइएरिकल कई बच्चे न्यूमेरिकल की डिमांड कर रहे हैं और देखो नुमेरिकल आपको तब समझ आएंगे जब आप फॉर्मूले सारे पढ़ लोगे और समझ आ जाएंगे वैसे ही पीरियोडिक टेबल के 200 क्वेश्चन आपको तब समझ आएंगे जब आपको पीरियोडिक टेबल समझ आ गई है केमिस्ट्री के फॉर्मूले तब समझ आएंगे जब 300 सौ फॉर्मुले जो पूरे चैप्टर में है या पूरे केमिस्ट्री में वो आप कर लोगे उसी तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है विल डू अ जैसे लाइट वाला चैप्टर है लाइट चैप्टर के नुमरिकल या लाइट चैप्टर आपको तभी आप उसके नुमेरिकल कर पाओगे जब चैप्टर समझ आएगा जो की चार से पांच घंटे का चैप्टर है ये बताइए मल्टीप्लाई कर दिया कर दिया पचास वेरी गुड किस बच्चे ने यहाँ पे पचास कर दिया कर दिया मल्टीप्लाई हो गया ठीक है अच्छी बात है गलत है क्या नहीं गलत नहीं है ठीक है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉइंटमेंट फॉर्मूला लिख लीजिए फॉर्मूला क्या है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉइंटमेंट बराबर करंट थ्रू अ फ्लड लैंप इज फाइव एम्पियर करंट का मतलब है आई दिया हुआ है जब एम्पियर में दिया होता है तो करंट दिया होता है तो आई को मैं पांच एम्पियर लिख लेती हूँ मुझे पूछा है कि कितना चार्ज व्हाट चार्ज पासेस इन टेन सेकेंड यानी कि क्यू जो है वो चार्ज होता है तो क्यू मुझसे पूछा है क्योंकि okay, यूनिट हमेशा कूलम में आती है इसीलिए ऑप्शन में कूलम है अपॉन में टी टाइम है टाइम कितना दिया है भाई मैं टाइम की जगह सीधा टेन सेकेंड लिख लू टेन को फाइव से मल्टीप्लाई कर दिए दीजिए पचास कूलम जो है वो आंसर आ गया डी बिल्कुल ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया जिन्होंने डी लिखा है फिफ्टी कुलम निकल गया बहुत बढ़िया प्लांक नियतांग प्लांक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या बोली जाती है मैक्सिमम क्योंकि ए के ज्यादा मैंने क्वेश्चन उठाए हैं इसीलिए आपको फिजिक्स ज्यादा नजर आ रहा होगा क्योंकि ए uh, एल में फिजिक्स ज्यादा आती है प्लांग्स कॉन्स्टेंट की डायमेंशन किसके बराबर होती है एंगुलर मूवमेंट यानी कि जूल पर जूल सेकेंड पर सेकेंड नहीं जूल सेकंड एंगुलर मूवमेंट की यूनिट sec, क्या होती है जूल सेकंड वही प्लांग्स कॉन्स्टेंट की भी होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है तो जब भी आपसे हाइड्रोलिक ब्रेक पूछा जाएगा तब आप पास्कल लॉ लिखोगे पास्कल प्रिंसिपल पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप एक बलून के अंदर बहुत फोर्स के साथ कुछ चीजें भर रहे हो यानी कि यू हैव फिल्ड द और दी एयर और इस बलून को आप कस के उसमें और ज्यादा हवा करो और उसके बाद ये क्लोज चैम्बर है तो जितने भी यहाँ पे होल होंगे हर होल से बराबर गैस निकलेगी उनका प्रेशर भी बराबर होगा तो जो गाड़िया होती है जो बाइक्स होती है उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स को यूज किया जाता है जो पास्कल लॉ है एर्कमिडीज प्रिंसिपल जो है वो आती है आपके पानी से रिलेटेड कि एक समुद्र के अंदर अगर ना उतार दी है तो वो नाव के बराबर वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस होगा बाहर निकलेगा ठीक है, है, है जिनमें पाया जाता है क्या मैंग्रोव में रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती है श्वसन मूल पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी बताइए आई गेस दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द हाउस है ना ये हाउस का क्वेश्चन है है ना ये क्या है आपका हु ने क्या डिस्कवर किया था प्रोटॉन है ना गोल्डस्टीन ने प्रोटोन रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था न्यूक्लियस चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ठीक है बच्चा कौन सर जे जे थॉम्सन ईयर था 18 ईयर uh, था 1904 1897 में उन्होंने डिस्कवरी की थी 1904 में ये पेपर में पब्लिश हो गया था मॉडल क्या था प्लम पुडिंग मॉडल क्या था प्लम पुडिंग मॉडल तरबूज में बीज ये याद रखो अपन के लिए वही सारा सही रहता है तरबूज में बीज के बराबर अपना डिस्कवरी कहा जाता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है वट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ बॉडी हीमोग्लोबिन क्या कर रहे हैं यूटिला आयरन को उपयोग कर रहा है भाई जितना आयरन लिया उसको यूज कर लो नहीं तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी ऐसे वाला नहीं आपके शरीर के अंदर जो ये हीमोग्लोबिन है यू आयरन को तो आयरन यूज हो रहा है बट नॉट इन दैट फंक्शन थोड़ी है वो, उसका, वो तो उसकी कम्पोजिशन है अनिमिया को बचा रहा है वो उसकी डेफिशिएंसी है देखो यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन ये उसका एक कंपोजिशन है यानी कि उसका घटक है आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं ये कॉम्पोजिशन है प्रिवेंशन ये डिफे डेफिशियंसी ही है हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो शरीर में एनीमिया होगा एनीमिया ठीक है खून की कमी डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया वो वो तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सीओ टू को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके हीमोग्लोबिन के द्वारा फूड गैक गैक्सुड फूड गैक्स गेट्स कुक्ड इन प्रेशर अच्छा ये तो मैंने आपको कराया है ना कुछ दिन पहले तो कराया आपके सेट नंबर जो क्वेश्चंस हम पढ़ रहे थे उनमें आया था चलिए जल्दी से बता दीजिए बहुत इजी अभी किया फूड गेट कुक्ड फास्टर देन प्रेशर कुकर जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है क्यों क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा नॉर्मल है वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुकर में दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है जो कि 1520 सो बीस एम एच के बराबर होता है किसके बराबर 1520 सो बीस एम के बराबर ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर कितना होता है टेम्परेचर टेम्परेचर होता है 100 के ऊपर ठीक है 100 के ऊपर यानी कि 120 के आसपास लिखो यहाँ पे वाटर बॉइल्स ओनली एट व हीट कंटेंट ज्यादा होता है प्रेशर ज्यादा होता है स्टार्ट बॉइलिंग एट अ हायर टेम्परेचर इसका आप आंसर क्या देने वाले हो भाई इसका आंसर आप क्या देने वाले हो इसमें आपको कभी भी आंसर सी मत दे देना गलती से सी दोगे तो गलत होगा यहाँ पे याद रखो ये वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर यानी कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो है वो बल रहा होता है और हाईर प्रेशर वहां पे क्रिएट हो जाता है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है एन एंडोस्कोप इज यूज बाय फिजिशियन टू व्यू द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गेन आपके पेट में मान लीजिए हमारे कोई गलती दिक्कत हो रही है डॉक्टर को देखना है कि कहीं अल्सर वाला दिक्कत तो नहीं है तो वो माउथ के थ्रू होते हुए एक पाइप जो है वो शरीर के अंदर डालता है जो सीधा पेट में जाता है है ना उसको बोलते हैं एंडोस्कोप और जब ये कराया जाता है तो उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी एंडोस्कोपी अब ये जो एंडोस्कोपी है ना ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रेक्शन किस पे बेस्ड है रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन दोनों पे ही नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे निर्भर होती है ये ठीक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो एंडोस्कोपी किस पे बेस्ड होती है टोटल अच्छा ये आगे ना आर्कमिडीज प्रिंसिपल ये सारे प्रिंसिपल बहुत यूजफुल है आते हैं आर्कमिडीज प्रिंसिपल एग्जाम में अगर एक पानी के ऊपर एक नदी तैर रही है तो इसका मतलब क्या है उसने क्या किया है किया है पानी को जो उसके मास के इक्वल है अब इसमें देखो ये इक्वल है, है क्वेश्चन बड़े ही बड़े हैं ऑप्शन भले ही बड़े हैं लेकिन आंसर क्लियरली नजर आना चाहिए द मास वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू द मास ऑफ शिप यानी कि समुद्र का जो जल है वो उस जल उस जहाज के वजन के बराबर विस्थापित हो जाता है इसमें हमेशा बी लिखिएगा इक्वल वाला ऑप्शन देखना है इक्वल ठीक है लेसर और ग्रेटर नहीं एलिसा एलिसा किट जो होती है वो किसके लिए यूज की जाती है एलिसा टेस्ट एलाइसा या एलिसा बोलता है एलाइसा का फुल फॉर्म क्या है एंजाइम लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे सर्वेंट एसे ठीक है सोर्वेंट एसे एंजाइम लिंग इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे ये हमको मदद करती है एड्स से बचाने के लिए किससे एड्स को देखने के लिए या एड्स को डिटेक्ट करने के लिए हालांकि इसको और के, और के जगह भी यूज करते हैं लेकिन इसकी डिस्कवरी एड्स के लिए थी अच्छा आपने ये भी सुन लिया है ना कैंसर के लिए अभी तक कोई वैक्सीनेशन या दवाई नहीं थी लेकिन रशिया जो है ना वो बहुत तेजी में कैंसर की दवाई को बनाने का काम कर रही है ठीक है अच्छा ये ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है एल्यूमिनियम हेमेटाइट लेड गैलेना आयरन बॉक्साइड, मैग्नीशियम मेलाचाइट ये ओरजन मतलब इसमें देखिए मैग्नीशियम Mg मेलाचाइट ठीक है लेड गैलेना पी के नाम से जाना जाता है आयरन जो है वो बॉक्साइट के लिए और आयरन का ही है ये हेमाटाइट हेमाटाइट लिम्नोनाइट सिडोराइट अच्छा बॉक्साइट जो है वो किसके लिए है बॉक्साइट किसके लिए लिखा जाता है एल्युमिनियम के लिए, लिए लिखा जाता है है ना एल्यूमिनियम के लिए एल्युमिनियम के लिए तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो गया आयरन का गैलेना हो गया मेलाचाइट जो है वो किसके लिए होता है मेलाचाइट जो है वो किसके लिए होता है यहाँ पे मेलाचाइट भी हम लिखते हैं गैलेना देखो गैलेना लेड के लिए लिखा जाता है तो यहाँ पे ये तो ठीक ही था अपना लेड वाला ही ठीक था बाकी सब गलत है एल्युमिनियम गलत आयरन गलत मैग्नीशियम गलत मैलाचाइट भी गलत है ना सिर्फ एक ही है जो ठीक है इसमें करेक्ट बताना है लेड गैलना फॉर्मला PbS। बी एस लेड का खुद का अटोमिक नंबर क्या होता है एट्टी टू लेड का खुद का अटोमिक नंबर 82। टू चालक की सुरक्षा के उपयोग में किए जाने वाले एयर बैग में क्या भरा होता है चालक के जो एयर बैग होते हैं उसमें क्या होता है आयुष आपका आ, मतलब प्लेसमेंट हो चुका है क्या कहीं मतलब यू आर वर्किंग बस दिन बन जाता है ए, एक ऐसा पूरे दिन में एक मैसेज आ जाए आप लोग का दिन बन जाता है कॉपर कार्बोनेट बोला जाता है मेलाचाइट इज योर कॉपर कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड सीयू टू सीओ थ्री OH, ओ एच कॉपर का होता है मेला इज कॉपर मेला इज कहा भाई किसी को कंफ्यूजन है मेला मैग्नीशियम आन से गलत है कि? मेलाटाइट कॉपर के लिए होता है कॉपर कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड भी लिख लीजिए ठीक है कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड करके याद रखिए सी यू सीओ थ्री ओ एच इसमें सोडियम एजाइड लिखिए जो हमारे कारों में एयर बैग होते हैं जो बहुत प्रेशर होगा तभी फूलेंगे वो आपका सोडियम एजाइड कहा जाता है अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज साउंड की बात हो रही है ध्वनि की बात हो रही है ठीक है सबसे पहले तो याद रखे ध्वनि कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं आती जो ब्रह्मांड में इतने बड़े बड़े तारे फटते हैं या फिर वो जो है फटके बिखरते हैं वो कभी भी आपको आवाजें सुनाई नहीं देती उसका रीजन क्या है क्योंकि वो आपके साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाती क्योंकि बीच में वैक्यूम है जबकि सूरज के द्वारा जो उजाला है वो आपको आ रहा है लाइट ट्रैवल कर पा रही है तो लाइट को वैक्यूम या माध्यम की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे जरूरत है तो अगर आपकी लाइट ध्वनि जो है वो ट्रेवल कर रही है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे रेयरर है ठीक है थोड़ा सा घन तो कम है फिर नीचे डेंसर आ गया तो इनमें से कौन सी चीज आप परिवर्तित रहती है आप परिवर्तित एज्योराइट एज्योराइट भी होता है फ्रीक्वेंसी लाइट में चेंज होती है साउंड की बात कर रहे हैं ना साउंड की बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेग साउंड में जो एक चीज चेंज होती है वो होती है वेव साउंड में जो चेंज होता है वो एक ही चीज चेंज होती है वो होती है ठीक है? साउंड की फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती एम्पलीट्यूड कभी चेंज नहीं होता वेलोसिटी जो है वो कभी चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि ऑडिबल बताइए ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या तभी तो मैं आपको ये बोल पाती हूँ ना बीस हजार बीस हर्ड से लेके बीस हजार हर्ड की आवाजें जो है वो आपको सुनाई दे रही हैं है ना क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी ऑडिबल या श्रव्य तरंगे हैं वो बीस हर्ड से लेके बीस किलो हर्ड में आ रही हैं है ना इसका मतलब फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है ना पानी में जो आवाजें हैं वो भी आपको सुनाई दे रही है हवा में जो आवाजें होती हैं वो भी आपको सुनाई दे रही हैं जब आप जमीन पे हो तो भी सुनाई दे रही है इसका मतलब ये काम फ्रिक्वेंसी के हिसाब से करता है तो फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रहा आवर्त तो चेंज नहीं हो रहा जो चीज चेंज हो रही है मतलब जो चीज चेंज हो रही है वो है वेव लेंथ एक ही चीज है जो चेंज हो रही है तरंग धैर्य करके याद रखो ठीक है तरंग धैर्य है जो चेंज हो रहा है बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता एम्पलीट्यूड वेलोसिटी या ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है नॉट करेक्टली मैच बताना है ठीक है सही नहीं है वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है है ना एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नापता है और गैल्वनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस नापता है ये सब इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स के चैप्टर के क्वेश्चन है यहाँ पे और आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये सब आता है कौन सी चीज से क्या मेजर करते हो यहाँ पे आप या याद रखो गैल्वेनोमीटर गलत है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं नाप रहा रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध प्रतिरोध के लिए हम अलग से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं आप लोग याद रखिए गेल्वनोमीटर से करंट नापा जाता है क्या करंट लेकिन करंट तो आपने यहाँ पे भी बता दिया एमीटर भी ठीक बता दिया तो गैल्वनोमीटर में वो करंट नापा जाता है जो कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत कम चल रहा होता है बहुत कम ठीक है कंडक्टर के अंदर बहुत कम द ऑथर ऑन दरिजन ऑथर ऑफ दिजन ऑफ स्पीशीज साहब इस क्वेश्चन की रेलवे ने जितनी रेड पीटी है मेरे ख्याल से किसी और क्वेश्चन की रेलवे ने रेड नहीं पीटी होगी आप लोग अगर अट्ठारह में पढ़े होंगे ग्रुप डी पढ़ा होगा आपने और उसके बाद आपने एन वगैरह ये सब पेपर दिए होंगे अगर आप मतलब दो की तैयारी किए होगे तो ये क्वेश्चन हमने वैसे तो कराया था एग्जाम से पहले भी कराया था लेकिन इस क्वेश्चन को रेलवे ने हर एक एग्जाम में इंक्लूड किया है अगर ग्रुप डी की 24 शिफ्ट है हुई है ना 24 शिफ्ट में हर दिन जो है तीन बार पेपर हुआ है तो चार ती बारह तीन दूनी छह मतलब तो जाके बहत्तर पेपर हो रहे हैं बहत्तर में से साठ पेपरों के अंदर ना ये क्वेश्चन पूछा गया होगा ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज एक किताब है जो लिखी थी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी के द्वारा इन्होंने गैलापगोज आइलैंड पे बैठ के जो चौदह अलग अलग तरीके की बर्ड्स थी उनकी चोंच को पढ़ा था और ये ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज के जो राइटर हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ये जो है ना इन्होंने ही एवोल्यूशन की बात की थी विकास की बात की थी कि जो पृथ्वी है ना उस उसपे जानवर या जो लाइफ है उसकी शुरुआत कैसे हुई और विकास जो है वो कैसा हुआ तो यहाँ पे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन याद रखे यहाँ पे अरेस्टोटल अरस्तु कौन है अरस्तु वो आदमी है जो भाई वो बच्चा है जिसको सब कुछ आता है इसको मैथ भी आती है ज्योग्राफी भी आती है एस्ट्रोनॉमी भी आती है हिस्ट्री भी आती है सोशियोलॉजी भी आती है साइकोलॉजी भी आती है सब कुछ करवा लो अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है इन्होंने ही बायोलॉजी आपको पढ़ने पे विवश कर दिया है उसके अलावा जोलॉजी एनिमल्स इन इन्हों ही दिए थे और उसके बाद भ्रूण जो विकास है एम्ब्रियोलॉजी जो है वो भी अर, अरिस्टोलो अरिस्टोटल के द्वारा किया दिया जाता है तो अरिस्टोटल याद रखिए अरिस्टोटल जो है ना अरस्तु निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक बीमारी है इनमें से कौन सी हेरिटेबल डिजीज है

अरेस्तु मतलब क्या पढ़ लिया आपको एस्ट्रोनॉमी भी पता है आपको पता लग रहा है कि पृथ्वी से सूरज की दूरी कितनी है और आपको ज्योग्राफी भी देख पा रहे हो वॉल्केनो कैसे आ रहे हैं आप पॉलिटिकल साइंस का भी ज्ञान दे रहे हो आप सोशोलॉजी बता रहे हो आप बायो के बारे में भी बता रहे हो आप जोलॉजी भी बता रहे हो आप मैथ्स भी बता रहे हो यहाँ यहाँ साइंस से जीके पे आ जाओ तो बच्चे कहते हैं आप जीके क्यों पढ़ा रहे हो आप तो साइंस ही पढ़ाओ है ना बताओ जरा अरस्तु को देख लो जरा कला ब्लाइंडनेस रंग वर्णांधता होती है ये अनुवांशिक है जेनेटिक बीमारी है और लड़कों में होती है ठीक है ये बताइए विच एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट सोर दूध के खट्टे होने पे कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है तो लैक्टिक एसिड करके याद रखिए एसिडिक एसिड सिरका में होता है सिरका टाट्रिक एसिड इमली के अंदर पाया जाता है इमली में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पेट में पाया जाता है लैक्टिक एसिड दूध से जब दही बन जाता है है ड्राई सेल में कैथोड जो है वो किस चीज का बना होता है अच्छा आप जल्दी से करते हैं क्योंकि सौ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और दस बजे का टारगेट था तो दो यहाँ पे यहाँ पे दो ही पार्ट है वो कवर करना है ठीक है नहीं अरस्तू ने शादी नहीं की थी देखो अरस्तु ने शादी नहीं की थी बिना शादीशुदा लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते आप हिस्टोरिकली देख ही रहे हो है ना देश का प्रधानमंत्री बैठा है ना भाई आप आजकल एक रील्स में ना बड़ा जोक आने लग गया कि जिनकी खुद की बीवी नहीं होती ना है ना जिनकी खुद की बीवी नहीं होती है वो देश को परेशान करते हैं है ना है ना ऐसा कुछ एक रील्स में ना जो कान लग गया है कि जिनको बीवियां परेशान नहीं आ जिनको बीवियां परेशान नहीं करती वो देश को परेशान तो कर रहा तो आजकल बड़ा फैला हुआ ये चीज बड़ी ऐसी बात है ड्राई सेथ जो है वो किसका बना होता है जिंक करके याद रख लीजिए

इसमें कार्बन लिखना है कैथोड कार्बन ठीक है नेगेटिव चार्ज है जिंक जो है वो एनोड है जो कि पॉजिटिव चार्ज है है ना ये लंग कर लो जिंक क्या है जिंक आपका एलिमेंट है एलिमेंट कौन सा है मेटल है धातु है जिंक इज और धातु मेटल धातु पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एनोड पे जाएगा एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है कार्बन कार्बन नॉन मेटल है या फिर कार्बन को नॉन मेटल में ही गिना जाता है ना तो ये यहाँ पे नेगेटिव करके याद रख लीजिए ये थोड़ा याद रख लीजिएगा भाई ये ड्राई सेल के अंदर कैथोड इज योर जिंक ठीक है कैथोड कैथोड इज योर कार्बन और यही पे अगर मैंने एनोड लिखा होता तो एनोड इज योर जिंक ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गलत नहीं कर दीजिए एक बार कितने के बराबर होता है कितना पैसा लुटा के होता है एक बार बार में जाओ इतना पैसा लुटा के आओगे कितने अजय किसके बराबर है पीए जो लिखा है वो क्या है ये पास्कल लिखा हुआ है तो बार जो है बार और पास्कल ये किसके यूनिट है दोनों ही प्रेशर के यूनिट है ठीक है दोनों प्रेशर के यूनिट है अब एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है टेन टू पार फाइव पास्कल कितने टेन टू पार फाइव पास्कल ये लिख लो पास्कल जो है वो भी प्रेशर की यूनिट है पास्कल भी प्रेशर की यूनिट है और बार भी प्रेशर की यूनिट है एक बार कितने के बराबर होता है टेन टू पार फाइव कारोबार शादियों में चल रहे होते हैं ना कारोबार कार के अंदर बार चल रहा होता है शादियों में शादी अलग चल रही है लड़के अपना अलग कार के पीछे जो है वो बार लगा रखा है उनने अपना ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर इज ड्यू टू हरे भाई ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है देखो जब आप कुछ चीजें कर रहे होते हैं ना जिंदगी में तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो काफी ज्यादा प्रिय लग रही होती है काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है तो एक ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का मुझे बहुत ही प्यारा लगता है इसमें तीन चीजें आती हैं चांदी जो होती है वो कैसी हो जाती है वो काली हो जाती है ठीक है काली पड़ जाती है जो लोहा होता है वो कैसा हो जाता है वो भूरा पड़ जाता है है ना भूरा लोहा और कॉपर जो है वो कैसा हो जाता है वो हरा हो जाता है तो इन तीनों की अपनी अपनी रिएक्शन हैं अभी के लिए मैं तीनों रिएक्शन आपको बताऊंगी आगे लेकिन याद रखिए कॉपर जो है वो किसकी वजह से हरा हो जाता है कॉपर कार्बोनेट की वजह से सीयू सी ओ थ्री कॉपर कार्बोनेट अभी आपने मेलाचाइट पढ़ा था ना मैलाचाइट कॉपर का और कॉपर कार्बोनेट क्यूप्रिक कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और इसको हटाने के लिए आपको पता है कि जिसको साफ करने के लिए पीताम्बरी आती है पाउडर होता है जिससे ये साफ हो जाता है कॉपर कार्बोनेट करके याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चांदी के लिए हम एजी एस लिखते हैं एजी सिल्वर सल्फाइड ठीक है सिल्वर सल्फाइड आयरन के लिए लिखते हैं हम Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड लिखा जाता है और कॉपर के लिए कॉपर कार्बोनेट लिखा जाता है या कार्बोनेट लिखा जाता है पे पीताम्बरी को साफ करते है ना यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट सब सल्फाइड लिख रहे थे ना सल्फाइड सिल्वर के लिए सल्फाइड सल्फाइड सिल्वर के लिए ए जी एस सिल्फर चांदी सल्फाइड कॉपर कार्बोनेट सी सी याद रखो और आयरन जो है वो सी एफ टू ओ थ्री फेरिक ऑक्साइड करके याद रखो फेरिक ऑक्साइड सोचना नहीं है लागू करना है सोच तो आप बहुत कुछ सकते हो लेकिन होता तो नहीं है ना पूरा सोचना नहीं है और सही सोचना है खराब नहीं सोचना द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वॉज प्रोपाउंडेड बाय अभी पीछे लिखा प्लम पुडिंग हमारी भाषा में तरबूज का मॉडल जिस तरीके से तरबूज में बीज होते हैं उसी तरीके से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसी बात जे जे थॉम्पन ने कही थी ठीक है थॉमसन उन्होंने पुडिंग बोला था हमने तरबूज बना लिया इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन इज इज कूलम द फ्लोइंग बताइए अभी बताया इसी का अलग है याद रहेगा ना देखो जो क्वेश्चन कर लो ना उनको मत भूलना आप लोग के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने क्वेश्चन कवर कर रहे हो इस क्लास के अंदर करते जाओ और आप, आप देखो अब आप आपका साइंस का सैलाब भी आएगा बहुत दिन हो गए बहुत टाइम से मैं थोड़ा सा ऐसे था ना कि आराम से पढ़ाऊंगी अरे पढ़ा दूंगी बच्चे थ्योरी तो करेंगे ये सारी चीजें जो है ना मैं सोच रही थी थोड़ा स्लो चलते हैं कोई बात नहीं थोड़ा स्लो चलते हैं लेकिन मेरे ख्याल स्लो का जमाना ही नहीं है वही वाली लाइन है तू जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा है ना ये वाला हिसाब है ये बहुत ही अच्छे से एक सिंगर और राइटर है लिरिस्ट है उनके पीयूष मिश्रा जी उनके द्वारा लिखी गई ये लाइन है तो जरा उसी को चलते है ना सिर पे जिसके ताज हो और हाथ धनुषवाड़ हो उम्र चाहे कोई भी हो वीर उसको कहा जाता है ना ये वही वाला है तो अपन ना आप साइंस का सलाह भी लेके आएंगे लोगों ने कराए होंगे क्लास सेशन अपन करेंगे दो सौ चार एक हफ्ते के अंदर ना कम से कम एक हफ्ते के अंदर हजार क्वेश्चन का टारगेट है एक हफ्ते के अंदर हजार क्वेश्चन करोगे आप मेरे साथ ये करना पड़ेगा अब गति बढ़ानी पड़ेगी बहुत चलिए धीरे बहुत चलिए घुटनों से अब दौड़ना पड़ेगा अब बात बारी है पढ़ने की

फिर आप यहाँ पे देखो ना आंसर जीरो पॉइंट फाइव एमपी आएगा टेन मिनट्स लिखा हुआ अच्छा थ्री हंड्रेड कुलम है और यहाँ पे ऑप्शन आ गया सिक्स हंड्रेड तो जीरो से एक और जीरो हटाना पड़ेगा ना तो जीरो पॉइंट फाइव एमपी तीन सौ को छह सौ से आइडियली डिवाइड करना है ना तीन सौ को छह सौ से डिवाइड करना है तो ये पूरा आपका तीन सौ से छ सौ से डिवाइड करके करना है ना आ, ये रहा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है वेक्टर मतलब v v बड़ा सा v क्या है एक ये कह रहा है कि आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए दिशा पता होनी चाहिए और दिशा के साथ आपको नंबर पता होना चाहिए तो वेक्टर क्वांटिटी में मेरे पास दो चीजें हैं नंबर के साथ साथ जो है नंबर के साथ साथ जो है वो डायरेक्शन भी जाएगी अब नंबर का मतलब क्या है मैंने आपको बताया अभी रात के साढ़े नौ बज रहे हैं आप ये थोड़ी पूछोगे कि मैडम नॉर्थ में बज रहे क्या साउथ में क्या टाइम अलग हो रहा है, है? ऐसा तो नहीं होता है साउथ और नॉर्थ सब जगह एक ही टाइम है तो जिन चीजों का दिशा से कोई लेना देना नहीं है वो सदिश राशि नहीं होती वो अदिश राशि होती है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक करंट फोर्स और वेलोसिटी वेलोसिटी फोर्स क्या होता है डायरेक्शन में ही होता है ना तभी तो हम वर्क पढ़ रहे होते हैं एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक करंट याद रखिए कंडक्टर होगा तो करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा कंडक्टर होगा तो करंट उसी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे जो है वो तार लगा हुआ है यहाँ पे आपका अप्लायंस लगा हुआ है आपने स्विच का ऑन किया तो करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा इसके लिए कोई और ऑल्टरनेट नहीं है इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हॉर्मोन का श्रावण करती है किसका दिमाग नहीं चल रहा अभी अभी कोई कमेंट बॉक्स में लिख रहा है अभी दिमाग नहीं चल रहा चलाओ दिमाग को थोड़े हार्मोन बढ़ाओ हार्मोन वृद्धि वाला जो है उसको एक्टिवेट करो दिमाग चलेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड भागेगा दौड़ेगा दिमाग नहीं चलाओगे तो ये भी सो जाएगा ये भी देखिए बचपन में आपको मम्मिया ये बोलती हैं और वो सही बोलती है बेटा भाग ले थोड़ा साइकिल चला ले थोड़ा लटक ले तेरी हाइट बढ़ जाएगी उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जब आप साइकिल चलाओगे आप लटकोगे तो आप दिमाग अपना जब एक्टिवेट करोगे तो आपकी जो पीयूष ग्रंथि है ना पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी एक्टिवेट होगी ये भी अपना काम जो है ना वो आपका बढ़ाएगा ये भी अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगी तो जब मम्मिया बोलती है ना लटकने से हाइट बढ़ती है तो वो लॉजिकली जो है वो करेक्ट नहीं होता है लेकिन वो बायोलॉजिकली ठीक होता है तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि हमारी सबसे छोटी ग्लैंड है 0.6 ग्राम की है ठीक है 0.6 ग्राम की ग्रंथि है ये मास्टर ग्लैंड है यानी कि बाकी के सबको कंट्रोल कर रही है ये खुद से निकालती है छह हार्मोन और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है एंटी एंटीरियर और पोस्टीरियर अग्र अग्र और पश्च ठीक है उसके अलावा जो पश्च भाग है वो ऑक्सीटोसिन निकालता है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है और मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क है उसको भी मदद करता है ये सबको कंट्रोल कर रहे हैं और इसको हम ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ और ये हमारे ब्रेन में है कहा हमारे ब्रेन के अंदर है क्रिसमस कारक क्रिसमस फैक्टर किसमें इन्वॉल्व होता है क्रिसमस क्या है क्रिसमस वर्ड कहां से आया ये एक फैमिली थी एक घर था जिसमें लोगों की कास्ट थी क्रिसमस एक जना आया जिसका नाम था जोन कॉटो उन्होंने इस फैमिली के कुछ ब्लड को टेस्ट किया और उन्हें पता लगा कि भाई साहब इनके यहां तो ब्लड क्लॉटिंग हो ही नहीं रही ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो रहा जैसे आपको पता है ना रॉयल डिजीज या रॉयल फैमिली पता है ना ब्लीडर्स डिजीज जिसको बोलते हैं रॉयल डिजीज बोलते हैं क्वीन विक्टोरिया की पूरी फैमिली में हीमोफीलिया की बीमारी है यानी कि अगर उनको चोट लगेगी तो उनका खून रुकेगा नहीं है ना यही बीमारी इन्होंने एक क्रिसमस फैमिली में से निकाली थी जिसको क्रिसमस कारक के नाम से जाना जाता है विच प्लेस विच फिजिकल मेजर्ड इन सीम सीमन में कौन सी क्वांटिटी को अगेन फिजिक्स के क्वेश्चन <coughs> ज्यादा आपको फिजिक्स ही लग रहा होगा ना क्योंकि एलपी के क्वेश्चन ज्यादा उठाए हैं मैंने इसलिए फिजिक्स ज्यादा नजर आ रही है इनमें से कौन सी क्वांटिटी सीमन को मेजर करती है या सीमन के लिए इस्तेमाल सीमन यूनिट होती है तो विद्युत चालकता याद रखिए कंडक्टेंस होता है जो कि एबिलिटी है चार्ज को पास होने की थ्रू अ थ्रू अ मीडियम अच्छा सीमन की जगह कुछ और यूज भी करते हैं क्या तो मो भी यूज करते हैं एमएचओ भी यूज करता है तो जो आपका कंडक्टेंस है उसमें या तो आप सीमन लिख लीजिए या फिर मो लिख लीजिए दोनों एक ही क्वांटिटी है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन TSO4, में 2H2O, मुझे अगर इसको हीट करना है तो ये है जिप्सम ये क्या है जिप्सम मैं चाहती हूँ कि भाई मैं इसको ऐसे हीट कर दूं या इतना टेम्परेचर पे हीट कर दूं कि इसमें से डेढ़ मॉलिक्यूल पानी का निकल जाए और मेरे पास हाफ मॉलिक्यूल ही बच जाए तो मैंने इसको बना दिया पीओपी ये बन गया पीओपी तो मुझे क्या टेम्परेचर लेना पड़ेगा तीसरा मैं यहां पे लिख देती हूँ कि अगर मैंने इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा ये सिर्फ कैल्सियम हाइड्रोक्साइड कैल्सियम सल्फेट रह जाएगा पानी इसमें से गायब हो जाएगा अब इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर देती हूँ हमें से जिसको ये आंसर एक लगता है ना इसको आज से गलत कर लीजिए है ना जहां पे भी जो भी आपको ये पढ़ाया है आज तक 110 ये कल ही मैंने जो पढ़ाया है ना इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं 100 हंड्रेड इज द मिनिमम टेम्परेचर जो रेज करने के लिए चाहिए पर एग्जैक्टली exactly जब आपके पास क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना कि जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट कर दिया तो दिस इज 110 टेन से आपको शुरुआत करनी है शुरुआत करनी है अब आप दो चीजें याद रख लीजिए अगर जिप्सम कन्वर्ट होगा पीओपी पे तो टेम्परेचर 120 से लेके 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए ठीक है और ये रेंज पूरी याद रखना सिर्फ 120 पे भी वो गर्म नहीं होगा और पीओपी पी में कन्वर्ट नहीं होगा 120 से 180 डिग्री टेम्परेचर आपके पास होना चाहिए तब आपका जिप्सम जो है वो पीओपी पी में कन्वर्ट होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है 120 डिग्री सेंटीग्रेड To 180 ये मेरे पास होना चाहिए ये एनसीआर की किताब में लिखा है और मैं इसी के हिसाब से जाऊंगी अगर दो सौ डिग्री के टेम्परेचर होगा तो ये सी एसओ फोर हो जाएगा देखो मैंने आपको एक सौ दस बताया क्योंकि रेलवे ने पिछली बार के कई क्वेश्चंस में आंसर 110 किया लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा मुझे लगा कि सिर्फ एक पे तो पीओपी आपका दो, दो मोलिक्यूल ऑफ वॉटर नहीं निकालेगा तो ये जो पूरा इसका जो थियोरिटिकल पार्ट है और इसकी जो रिएक्शन है वो ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री की प्रदीप्स में दिया हुआ है जहा पे ये मेंशन किया हुआ है एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू वन वन एट्टी डिग्री सेंटीग्रेड राइट right. तो ही जो पीओपी पी है वो आपका बनेगा यानी कि डेढ़ मॉलिक्यूल पानी निकलेगा अब जैसे ही आपने इसको 180 से 200 कर दिया ये जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो भी निकल जाएगा अब आप पूरी क्वेश्चन करके याद रखो ठीक है सौ नहीं लिखना है आंसर सौ तो बिल्कुल भी नहीं लिखना आंसर एक होगा इस क्वेश्चन का आंसर एक होगा एक के नीचे तो आंसर ही नहीं है एक तो जिन्होंने सौ दिया ना उनका तो दो बार गलत है एक बार भी गलत नहीं है उनका दो बार गलत है ठीक है आंसर या तो आप 110 दोगे या 120 दोगे और आज के बाद आपको अगर मैं कभी भी 110 सौ तो आज की क्लास का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है ना आज की क्लास को आप कोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 62 है ये आपका सी एस ओ फोर को पीओपी में बदलना है तो आपको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रखना पड़ेगा दिस इज योर एनसीआर व्हाट इज कोटिंग लेकिन हम यहाँ पे इस सिर्फ 120 आंसर करेंगे विच इज रिक्वायर्ड टू बी आंसर ठीक है 120 चलिए एक कभी कभी अपने ऊपर ही आप सवाल उठाते हैं ये वाला अल भाई कुछ बताओ गूगल बाबा से देख के बताते हैं ना वाला हिसाब किताब है कभी कभी अपने ऊपर ही शक होता है कि क्या कर दिया जब टेम्परेचर थोड़ा सा ट्वेल्थ क्लास की बुक खगाली तब जाके पता लगा भाई टेंथ में तो बिल्कुल ये पागल बना रहे बच्चों को टेंथ में ना आधी नॉलेज देते हैं आधी नॉलेज ठीक है चलिए आंसर रेलवे जो आपका मानेगा वो 120 होगा क्योंकि एनसीआरटी भी आपकी 120 ही दे रही है तो आपका 120 डिग्री एनसीआरटी जो आपकी बोलेगी वो एक, अच्छा जिसने भी पहले 120 बोला था पवन आपका आंसर उस दिन ठीक था ठीक है उस दिन के लिए सॉरी आपसे एक सौ बीस ही लर्न करना है ठीक है चलिए एंड इडियोमीटर इडियो आपका क्या कर रहा है इडियोमीटर गैसेस से रिलेटेड है राइट ये क्या करता है ये गैसेस गैसेस के वॉल्यूम वॉल्यूम को बताता है है का जो वॉल्यूम आयतन होता है, वो बताता है गैसेस का वॉल्यूम फिक्स होता है क्या नहीं होता है गैसेस का वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है ना ही इनका शेप फिक्स होता है ठीक है ना वॉल्यूम ना शेप फिक्स होता है लेकिन जब आप किसी कंटेनर में डाल दोगे तो पता लगेगा जैसे कि सिलेंडर है ना सिलेंडर के अंदर कितना गैस होता है कितनी जब ये जब क्लेम कितना करते हैं बत्तीस किलो के आसपास तो का वॉल्यूम हो गया ना वर्णान्तता से पीड़ित व्यक्ति डैश रंगों में भेद नहीं कर पाता तो भाई अगला तो पिंक जैसे ये मैंने एक दो क्लास में और भी बताया था लड़कों की हालत बड़ी खराब है इस मामले में कहते हैं ना लड़कों को चार पांच ही कलर पता होते हैं काला सफेद वो तो बहुत अच्छे से पता होता है काला सफेद के आगे ज्यादा ज्यादा उनको लाल नीला पीला हरा इतना पता लगता है होली के रंग होते हैं ना होली के रंग वो उन्हें पता लगते हैं ठीक है थीके? अब तुम ना बाजार में अगले को ले जाओ उसको बोलो देखो मुझे बेबी पिंक कलर के कपड़े चाहिए भाई अगला दस मिनट बैठ के सोचेगा बेबी पिंक कलर क्या होता है ये तो जिंदगी में, में मेरे पहली बार आया ना तो वर्णान्धता कलर जहाँ पे आप पे, ला, देखो आपको वैसी कलर नहीं पता लग रहे आपको पिंक के छह शेड नहीं पता रोज पिंक बेबी पिंक डार्क पिंक लाइट पिंक मेजेंटा पिंक नहीं पता अपने को कलर पता ही नहीं है क्या चल रहा है pink, अच्छी, रोज पिंक अच्छा ये रोज पिंक होता है ये स्किन पिंक होता है ये बेबी पिंक होता है अपना लाल हरा पता नहीं चल रहा इसको पिंक की पड़ी है वहां पे बच्चे जो है ना वो क्या है वहां पे बेचारे लड़कों की क्या हाल होगी यार मतलब मुझे यहाँ लाल हरा नहीं पता लग रहा ये अगली मुझे पिंक में कलर डिफरेंशिएशन के लिए बोल रही है तो आधे लोग के तो ऐसी चीजें खराब है तभी आधे लोग लड़के जो है ना वो शॉपिंग करने जाते नहीं है लड़कियों के साथ जाते हैं तो डांटी खा के या लड़ाई करके आते हैं आप मुझे बता दो 99% केसेस में अगर लड़का लड़की शॉपिंग के लिए जाएंगे चाहे भाई जा रहा हो भाई बहन साथ जाएंगे या फिर भाई और भाई के अलावा किसी और को ले जा रहे हो आप हमेशा लड़ाई हो के ही वापस आता है क्योंकि अगले को कलर ही नहीं पता रेड ग्रीन करके याद रखे विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन कंटेन्ट्स नाइट्रोजन अच्छा ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन इसमें बताइए इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन होती है अच्छा नाइट्रोजन कॉन्सेप्ट कहां से आया हमें तो ये भी नहीं पता बाकी क्या होता है लेकिन जो विटामिन होते हैं वो कार्बन के हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के सल्फर के कोवलमिन के बने होते हैं यानी कि उनके पास सी एच ओ तो होगा ही होगा साथ में सल्फर होगा कोवलमीन भी होगा नाइट्रोजन भी कुछ कुछ में होता है क्या जी हाँ कुछ कुछ आपके ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग विटामिन होते हैं लेकिन हमारे लिए जैसे मैं बोलू विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स विटामिन बी सिक्स ये याद रखिए विटामिन बी और प्रसाइस अगर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में बी सिक्स आ जाता है तो ज्यादा अच्छे से याद रखिएगा सिर्फ विटामिन बी नहीं आप लोग विटामिन बी तो इस क्वेश्चन का आंसर दे लो लेकिन आप प्रसाइस कल को ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कौन से विटामिन में नाइट्रोजन होता है ऑप्शन क्या है बी वन बी फाइव बी सिक्स और बी ट्वेल्व तो आंसर क्या देना है b6 यानी कि आपके प्रसाइज़ली विटामिन b6 में होता है नाइट्रोजन बाकियों में नहीं ठीक है रेक्टिफायर कन्वर्ट्स व्हाट दिष्टकारी जो होता है वो किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर क्या करता है रेक्टिफायर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो पीरियडिकल रिवर्स डायरेक्शन में करंट को लेके जा रहा है और एक ही डायरेक्शन को ये फॉलो करता है तो ये क्या करेगा ac को dc में बदलेगा किसको ऑल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलेगा एसी को डीसी में बदलेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिए रिवर्स डायरेक्शन नहीं वन डायरेक्शन फॉलो करेगा यहाँ पे यानी कि हमेशा रेक्टिफायर को लगाओगे तो ये एसी से डीसी में कन्वर्ट होगा आपके जो ये होते हैं ना घर में जो हम लाइट के लिए लगाते हैं आजकल तो बिल्कुल खत्म ही हो गए इन्वर्टर्स वगैरह द शुगर इन द शुगर सोल्यूशन इज वट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा एक क्वेश्चन है जो मतलब ये चैप्टर भी अच्छा है और ये टॉपिक भी अच्छा है और ये क्वेश्चन भी अच्छा है बताइए चीनी के घोल में चीनी क्या है सॉल्वेंट है डिजॉल्व सब्सटेंस है कोलॉइड है या फिर सस्पेंशन है ये चैप्टर है मैटर मैटर में भी कौन सा इस मैटर अराउंड प्योर हमारे आसपास जो शुद्ध है क्या पदार्थ अब इस तो अशुद्ध तो कुछ भी नहीं मिल रहा आज की डेट में शुद्ध कुछ भी नहीं मिल रहा लेकिन इसमें हम होमोजीनस बोलते हैं और हेड्रोजीनस बोलते हैं जिसमें से चीनी की चीनी को आपने किस में घोल दिया पानी में घोल दिया नमक को आपने पानी में घोल दिया तो ये क्या बन गया ये बन गया होमोजीनस समान बन गया इसमें से जो पानी है ना देखो ऐसे लर्न करो पानी प्लस चीनी चीनी के अलावा आपका नमक भी हो सकता है है ना ये बना देगा क्या सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होता है विलियन होता है सॉल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं विलियन क्या बोलते हैं विलियन तो विलियन वाला ऑप्शन तो नहीं है ना विलियन तो है ही नहीं ऑप्शन ही नहीं है होता है सॉल्यूशन ठीक है पानी जो है ना वो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए चीनी तो ज्यादा नहीं ले लोगे कि कटोरे में पहले चीनी ले ली उसमें पानी डाल रहे हैं नहीं ना पानी के अंदर चीनी डालोगे ना तो याद रखो जो ज्यादा मात्रा में होता है वो कहा जाता है सॉल्वेंट क्या कहा जाता है सॉल्वेंट क्योंकि उसमें घोलोगे उसमें घोलोगे चीनी या नमक जो होती है उसको कहा जाता है सॉल्यूट क्या कहा जाता है सॉल्यूट ये होता है विलायक सॉल्वेंट होता है विलायक सॉल्यूट होता है ठीक है विलय तो यहाँ पे ऑप्शन में दिखा ही है डिजॉल्व सौल, सौल, सॉप की जगह ऑप्शन सॉल्यूट होना चाहिए ठीक है सॉल्यूट तो आपका आंसर जो है ना वो सॉल्यूट होगा विलय पदार्थ होगा तो चीनी जो है वो आपकी सॉल्यूट है पानी सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन जो है वो क्या है विलियन है इंपॉर्टेंट है ठीक है निम्नलिखित में से कौन एक सा संयोजक यौगिक है कोवलेंट कंपाउंड है इनमें से कौन सा कोवलेंट है और पता है ये क्वेश्चन जब मैंने सा संयोजक देखा ना मतलब मैंने ऑप्शन अभी देखा जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो तभी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सारे मुझे जो हमारे कंटेंट वाले हैं वो बना के देते हैं फिर थोड़े से क्वेश्चन मैं निकाल निकोल रही हूँ कुछ क्वेश्चन मैं नहीं देख रही हूँ ये क्वेश्चन को पढ़ते ही जब आप क्वेश्चन में कहीं पे भी कोवल कंपाउंड पढ़ो याद रखिएगा ज्यादातर टाइम जो ऑप्शन में आंसर आपको पूछा जा रहा है वो सीसीएल होगा मतलब ये कंपाउंड इनमें से कौन सा है ऑप्शन मत देखना आप एबीसीडी पहले ही देखना कोवल एंड कंपाउंड के लिए सीसीएल फोर याद रखना सीसीएल फोर हमेशा ऑप्शन में दिया होता है एन नहीं होगा बेटा आंसर जी एन क्यों लिख रहे हो आंसर सी ऑप्शन क्यों लिख रहे हो आप सोडियम क्लोराइड ये आयनिक कंपाउंड है कोवेलेंट नहीं है कैल्शियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड ये तीनों जो ऑप्शन है ना ये आयनिक है जो कंप्लीटली अपने जहाँ पे शेयरिंग की बात आएगी ना शेयरिंग शेयरिंग की जहाँ पे आ, बात आती है वो आपकी क्या है वो कोवल कंपाउंड है शेयरिंग नहीं हो रही है ना इसमें क्लोराइड में शेयरिंग नहीं होती ये तीनों जो है वो आयनिक है मैं फिर से बोलती हूँ कि आपको कभी कभी लगता है ना अच्छा आपको साइंस कैसे लर्न है या आपको साइंस अच्छे से कैसे आ सकती है और क्वेश्चन के लिए मैं क्यों बोलती हूँ कि एक बार शुरू करो और कम से कम पंद्रह दस पंद्रह हजार क्वेश्चन कर डालो फिर देखो आप समझ के कर डालो आप याद रखो जब भी आप कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हो तो ऑप्शन में ज्यादातर टाइम क्वेश्चन सीसीएल का सीसीएल फोर का आता है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड का या कोवेल बॉन्डिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अगर मैं स्टेप में इसको समझाऊंगी तो ये बनता कहां से? है तो याद रखिए से बनता है आप सी एच फोर से सी सी एल यहाँ पे सी एच फोर है मिथेन है, और हर बार इसको क्लोरीन ऐड करते रहो तो सी एच थ्री सी एल बताओ ये क्या है सी एच थ्री सी एल या सी एच सी एल थ्री क्लोरो आप पढ़ते हो ना उसको याद रखो सी एच सी एल थ्री अब एक और सी एल एड करना है तो एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा जितनी बार क्लोरीन एड होगा एक हाइड्रोजन को अपनी बलि चढ़ानी पड़ेगी जब आप सी एच सी एल थ्री पे आ जाओगे ये क्लोरोफॉर्म बन गया एक और हाइड्रोजन हटा दीजिए क्लोरीन आना है तो ये क्या बन गया सीसीएल फोर बन गया तो ये स्टेप है ट्वेल्थ की बुक में ही है आपका तो हर बार क्या होगा यहाँ पे हर बार क्या होगा हर बार क्लोरीन जब ऐड होगा तो हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन के हटने पे जब क्लोरीन ऐड होगा तो वो शेयरिंग कहा जाएगा कोवल शेयरिंग बॉन्ड बनाता है कार्बन शेयरिंग बॉन्ड बनाता है पेलेग्रा और स्कर्बी निम्नलिखित विटामिन से विटामिन की कमी से होते हैं डेफिशिएंसी देखिए हमको जो है ना विटामिन जो है वो ट्रेस मात्रा में चाहिए यानी कि कम मात्रा में चाहिए ठीक है लेकिन विटामिन ज्यादा होंगे तो टॉक्सिसिटी होगा ऐसा नहीं है कि भाई अपने को विटामिन ए बहुत ज्यादा खाना है तो ऐसा है गाजर इतनी खाओ दिन रात सुबह शाम गाजर ही खा रहे खरगोश बन गए ताकि विटामिन ए ठीक हो लेकिन आप लोग याद रखो कि विटामिन हमारे शरीर में प्रॉपर कंज्यूम होना चाहिए शरीर में लगना चाहिए तभी वो फायदेमंद यहाँ पे होगा विटामिन बी थ्री और सी करके याद रख लो स्पेलेग्रा जो है वो विटामिन बी थ्री की वजह से होता है स्किन और हड्डियों की बीमारी रहती है स्कर्वी जो है मसूरों में खून आने को बोलते हैं विटामिन सी और विटामिन बी थ्री करके याद रखिए ठीक है विटामिन बी थ्री और विटामिन सी द डिफेक्ट ऑफ ऑफ विजन इन द इमेज नियर ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड रेटिना बताइए दृष्टि दोष जिसमें आ, जिसमें पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है रेटिना के पीछे बनने का मतलब क्या है रेटेना बी थ्री आपका न्यासिन होता है अगर ये आपकी आंख की बॉल है तो आगे है कॉर्निया है यहाँ पे यहाँ पे बना हुआ है अच्छा कलम ह्यूमनाइज कर रहा है थीके? इसी टाइम आठ बजे कलम ह्यूमनाइज करेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन के साथ पूरी आपको बताऊंगी तो भाई जरूर आ जाइएगा है ना अब यहाँ पे देखो कॉर्निया के पीछे कॉर्निया के पीछे लेंस है आपने कुछ देखा रिफ्लेक्शन गया तो जो इमेज बनी ना वो रेटिना के पीछे बन गई बननी कहाँ थी इस पे बननी थी रेटिना के आगे लेकिन इमेज बन का रेटना के पीछे अगर रेटिना के पीछे इमेज बनती है तो हाइपर बोलते हैं दृष्टि बोलते हैं इसमें हुआ क्या होगा इसमें आंख जो है वो छोटी हो गई होगी आंख का साइज कम हो गया होगा या लेंस का साइज जो है वो बड़ा हो गया होगा तभी हाइपर मेट्रोपिया की दिक्कत होती है और एक चीज और यहाँ पे जो बहुत ही दिमाग लगाने वाली है दिमाग को घर नहीं छोड़ना दिमाग को साइड टेबल पे नहीं रखना दिमाग रखना है ए और बी ऑप्शन सेम है मायोपिया ये ये रेलवे के ऑप्शन है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस एक ही बात होती है या इसको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया बोलती है तो एक ही बात है ना इन दोनों में आंख का साइज लंबा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो रेटिना के आगे बन जाता है तो यहाँ पे आप हाइपर मेट्रोपिया लिख लीजिए अब इसको ठीक करना है तो मैं लेंस कौन सा इस्तेमाल करूंगी कन्वेक्स मायोपिया के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा भाई साहब थ्योरी आप पढ़ लो दस मिनट लग जाते थ्योरी पढ़ाने में लेकिन क्वेश्चन दो करा दो पूरा समझ आ जाता है कभी कभी किसी किसी चीज में क्वेश्चन भी ठीक रहता है विच अमंग दी फॉलोइंग फ्यूल इज यूज इन गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग क्या होती है जब जोड़ते हैं ना लोहे को लोहे से जोड़ा तो गैस जो इस्तेमाल की जाती है यही गैस आपकी लाइटर में भी होती है सिगरेट उसमें भी होती है ना ऐसे टाइलिन करके याद रखो और यही गैस वो है जो फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है फलों को पकाने के लिए लेकिन वैसे नहीं नेचुरल तरीके से नहीं कृत्रिम याद रखो कृत्रिम रूप से जो फल पकाए जाते हैं वो आपके ऐसे टाइलिन से ही पकाए जाते हैं बिल्डू लेंस करेंगे लेंस करेंगे मिरर और लेंस एक टॉपिक पूरा आएगा जिसको मैं लाइट चैप्टर बताऊंगी लाइट चैप्टर फिजिक्स का क्लास नंबर मतलब क्लास का पूरा एक साथ करेंगे लाइट फिजिक्स का पूरा रिफ्लेक्शन ठीक है निम्नलिखित में से किस धातु को का मोबाइल फोन की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया भाई जो मिला है ना ये भारत में ऐसा मिला है ना कि अगर इसको ठीक तरीके से यूज कर लिया ना तो भारत का बहुत सारा पैसा खर्च होने से बच जाएगा भारत में जम्मू और कश्मीर के अंदर कर्नाटका के अंदर राजस्थान के अंदर क्या मिला है बहुत सारा लिथियम मिला है लिथियम हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक नंबर थ्री यूज होता है किसमें बैटरीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जो चार्जेबल बैटरीज होती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉड से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉड्स को भगाने के लिए या जो आप कहते हो ना बैटरी को हमने चार्ज किया तो चार्ज होके बैटरी फिर चल जाती है दस से बारह घंटे और फिर उसके बाद रुक जाती है फिर आपको चार्ज करनी पड़ती है आप लोग याद रखिए लिथियम को यूज करता है जो बैटरी आप बोलते हो ना बैटरी चार्ज कर रहा है अच्छा बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो समझ जाओ कि लिथियम कर रहा है वो काम आपका एल कर रहा है एल थर्ड नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर पे और ये भारत में बहुत ज्यादा या वैसे भी फोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है निम्न में से किसने परमाणु अविभाज्यता सिद्धांत प्रस्तावित किया था दुनिया ने इसको पकड़ लिया दुनिया ने फेल दिया डेल्टन को ना भाई क्या थ्योरी दे रहे हो आप कैसे कह रहे हो परमाणु जो है वो अविभाज्य एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है लेकिन मैंने मुझे लगा ये भाई डेल्टन ने जो बोला था आप उसे पढ़े हो समझे हो क्या सही से देखो एटम्स जो हैं वो इनडिविजिबल हैं ऐसा डाल्टन ने कहा क्या गलत कह दिया अगले ने उसने बोला एटम इनडिविजिबल है यानी कि एक एटम को आप तोड़ के दो नहीं बना पाओगे जैसे आप सेल को बनाते हो लेकिन एटम के कॉम्पोजिशन अब लोगों ने क्या अरे इंडिविजिबल क्यों नहीं है वो तो डिवाइड हो सकता है किस में डिवाइड हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना वो कोई को, कोई कंपोजिशन है ना वो उसके वो घटक तोड़ एटम को तोड़ दो आप तो क्या वो बराबर डिवाइड होगा नहीं ना उनका कहने का मतलब था कि एटम को आप इंडिविजिबल सेल की तरह दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते और इक्वल चीजें चली जाए ये नहीं हो सकता अब जब आप बोलो कि एटम तो डिवाइड हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप बताओ उसके कॉम्पोजिशन है ना वो कॉम्पोजिशन है ना वो तो घटक है उसके जिससे वो बना हुआ है तो मेरे हिसाब से बात तो ठीक थी लेकिन लोगों ने गलत तरीके से उसको परसीव कर लिया गलत तरीके से ले लिया और बिचारे की जिसने इतनी अच्छी सी थ्योरी दी थी डेल्टन एटोमिक थ्योरी में मेनली पांच पॉस्टूलेट हैं कि हर एटम से मतलब हर एलिमेंट एटम से बना हुआ है एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं शेप में साइज में और फिजिकल नेचर में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का साइज अलग अलग हो सकता है एटम इनडिविजिबल है और एटम की परिभाषा याद है सबको एटम की परिभाषा क्या है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मेक्स अप मैटर एनसीईआरटी की परिभाषा बता रही हूं अगर आपको इससे पहले ही बात पता हो तो बताना जरूर मुझे कि अच्छा हमें ये पहले पता थी नहीं पता है तो भी बताना एटम या परमाणु की परिभाषा क्या है? लिविंग थिंग एटम इज लिविंग में आएगा वैसे एटम इज पार्टिकल एटम इज अ स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ पार्टिकल विच मेक्स अप मैटर विच मेक्स मैटर ये है एक पार्ट एटम वो सबसे छोटी चीज है जो कि पार्टिकल या कण बनाता है या पदार्थ बनाता है दूसरी चीज एटम वो सबसे छोटी चीज है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है ये है एनसीआरटी की पूरी डेफिनेशन एटम इज थिंग विच मेक्स अप द पार्टिकल जो कण बनाता है और एटम इज द स्मॉलेस्ट थिंग विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन जो कि किसी क्रिया में भाग ले रहे अगर गैस जली तो एटम जला मैंने पेपर को जलाया तो एटम जलाया मैंने लकड़ी जलाई तो एटम जलाया मैंने पानी को बहाया तो मैंने एटम को बहाया सबसे पहले ठीक है तो ये याद रखिए यहाँ पे डाल्टन जो है वो आंसर होगा साल याद रखना है 1808 ये एटम ने कब कहा था 1808 में कहा था ठीक है उसके बाद बर्जीलियस ने जो एलिमेंट है उनके सिंबल दिए थे रदाफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और एवेग्रो ने मोल थ्योरी दी थी जो हम मैटर को नापने के लिए इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं सोडियम मेटल को किसमें रखा जाना चाहिए सोडियम के अलावा पोटेशियम याद रखिए पोटेशियम इज द किंग जो कि रिएक्शन का किंग होता है सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई भी चीज या कोई भी एलिमेंट रिएक्शन कर सकता है तो वो कर सकता है पोटेशियम कौन कर सकता है पोटेशियम पोटेशियम अगर रिएक्शन कर सकता है बहुत ज्यादा सोडियम रिएक्शन कर सकता है तो उसको मिट्टी के तेल में रखो मिट्टी के तेल में रखोगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा लेबोरेटरीज में जाइए अगर सोडियम और पोटेशियम खुला आपको मिलेगा ना तो वहीं पे आग लग जाएगी इनको खुला क्यों नहीं छोड़ते हैं इनको अगर आपने खुला छोड़ा सोडियम को और पोटेशियम को इनको खुला छोड़ा तो ये आग लग जाएगी ये सोडियम पोटेशियम फटाफट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रिएक्शन कर देते हैं और आग लगा देते हैं तो मिट्टी का तेल जो है ना वो यहाँ पे आपको मिट्टी के तेल में अंदर रखना है ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करे पेंट में अगर क्रोमियम ऑक्साइड आपने मिला दिया है तो ये कौन सा कलर बनाएगा तो ये हरा रंग है ना हम पे ये किसने कहा गया कौन लिखता है ये हाँ, जब भी हरा रंग बोलो हम पे ये किसने हरा रंग डाला ये होली आने वाली है उसके लिए गाना याद रख लो कोई भी हरा पेंट या हरा मतलब पेंट तो क्या ही डालेगा होली में पेंट नहीं डालेगा हरा रंग लगाएगा तो हरा रंग किसने डाला क्रोमियम ऑक्साइड करके याद रख लो इट यूज की तरह इस्तेमाल किया जाता है और पेंट में मिलाया जाता है थर्मोस्टेट का यूज क्या होता है थर्मोस्टेट क्या करते हैं टेम्परेचर को तापमान को कॉन्स्टेंट रखते हैं ये लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है जहा पे अगर मान लीजिए किसी चीज को चार दिन के लिए टेम्परेचर आपको थर्टी डिग्री रखना है तो आपको थर्मोस्टेट का यूज करना पड़ेगा ताकि टेम्परेचर थर्टी से थर्टी वन भी नहीं हो ठीक है तो यहाँ पे टू कीप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर निम्नलिखित में से कौन सा फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट कहा जाता है ये क्वेश्चन है तो एस एस का ही लेकिन मतलब सॉरी रेलवे का है लेकिन इतना मेरे को ये भाया नहीं अजोला वोल्फिया और स्पाइरोडेला एक आधी क्वेश्चन ऐसा अजीब से आ जाता है तो देखना है कि आंसर कैसे करना है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं जो पानी के पेड़ होते हैं हाइड्रो मतलब पानी फाइट्स मतलब पौधे ऐसे करके लर्न करो तोड़ो बायो को तोड़ोगे तो लाना आएगा हाइड्रो मतलब वॉटर फाइटा मतलब प्लांट ऐसे प्लांट जो कि पानी में पाए जाते हैं और वो फ्री फ्लोटिंग है तो इसमें ऑल ऑफ दी अबब आंसर आएगा ठीक है ऑल ऑफ दी अबब एज़ोला वॉलफिया और यहाँ पे आपका स्पाइरोडेला ऑल ऑफ दी अबव अ सेमीकंडक्टर है, अच्छा ये आप आज बताओ एक अर्धचालक जो है उसमें क्या चीज होती है ऋणात्मक रिन, तापमान गुणांक होता है धनात्मक ता, तापमान गुणांक होता है या टेंपरेचर जीरो होता है या फिर कुछ भी नहीं आता वॉलफिया अरे वॉलफिया नहीं पता आपको वॉलफिया और रेफलेशिया रेफ्लेशिया और वॉल्फिया चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो और आंसर दे दो फिर मैं दोबारा बताती हूँ आपको जो हमारा सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका मटी इनका मतलब क्या होता है किसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ घटता है ठीक है सेमीकंडक्टर में अगर मैं इस क्वेश्चन का पहले आपको आंसर बता दू तो पहले आप आंसर देख लो आंसर है अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऋणात्मक तापमान गुणांक नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पे तापमान के बढ़ाने पे इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो घटेगी रेजिस्टेंस जो है वो घटेगी रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता होती है यानी कि करंट को रोकने की क्षमता तो जैसी टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि 40 से 100 डिग्री गया 100 से 200 डिग्री गया तो इनका रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा यानी कि करंट को रोक नहीं पाएंगे अच्छा, सेमी कंडक्टर क्या है आपके मोबाइल्स जो लैपटॉप वगैरह है ना लैपटॉप उनमें ना सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज किया जाता है है ना लैपटॉप बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों ही क्या है ये एक सेमी है कार्बन को भी सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है यूजुअली तो सेमीकंडक्टर दो है सिलिकॉन और जर्मेनियम लैपटॉप सारे आपके सिलिकॉन के बने होते हैं इसीलिए आपको पता है ना बैंगलोर को क्या बोला जाता है सिलिकॉन वैली बोला जाता है क्योंकि बैंगलोर में देश भर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर बैंगलोर में बैठे हुए लोग इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है सेमीकंडक्टर यानी कि तापमान के बढ़ाने पे रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा

सबसे बड़ा फूल मतलब पागल वाला फूल ने सबसे बड़ा फ्लावर सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो रेफ्लेशिया होता है इसकी डायमीटर नाइन फीट की होती है मतलब इसकी फूल की एक पंखुड़ी जो है ना वो नाइन फीट की होती है और वॉल्फिया करके याद रखिए वॉल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है दुनिया का सबसे छोटा फूल सबसे छोटा फूल पानी में पाया जाता है और ये इतना छोटा है कि आपकी उंगली पे आपके जो है ना वो यहाँ पे रख जाएगा आपकी फिंगर के ना टिप पे रख जाएगा कहते हैं ना फिंगर टिप तो आपकी उंगली के यहाँ पे ना ये वॉल्फिया का पूरा पौधा जो है ना वो आ सकता है ठीक है ये याद रखिए हाँ सेमी कंडक्टर आपके बनते हैं लेकिन यूज सबसे ज्यादा जो है वो होते हैं बेंगलोर में इनमें से कौन सा पेयर का डायमेंशन सेम नहीं होगा डायमेंशन मतलब यूनिट ठीक है डायमेंशन और जो इनका यूनिट है वो सेम नहीं है डेसिबल ध्वनि की यूनिट है हॉर्स पावर जो है वो पावर की है जो शक्ति होती है ना घोड़ा जैसा ऐसा बोलते हैं ना आपका हॉर्स पावर अश्व शक्ति जैसे आपकी मोटर होती है ना वो हॉर्स पावर की होती है ना जो घरों में मोटर होती है नॉटिकल माइल डिस्टेंस के लिए और सेल्सियस आप यूनिट ऑफ हीट के लिए इस्तेमाल करते हो सही है क्या नहीं सेल्सियस जो है वो यहाँ पे गलत है आप याद रखिए यूनिट ऑफ हीट सेल्सियस नहीं होती है क्या होता है कैलविन ठीक है कैलविन यूनिट ऑफ हीट जो है वो क्या रहेगा कैलविन रहेगा बाकी तीन ठीक है ना बाकी तीन सी कौन लिख रहा है भाई नॉटिकल माइंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही होता है नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही होता है लेकिन समुद्र में ना पा जाता है उसके अलावा सेल्सियस जो है वो यूनिट ऑफ हीट नहीं है वो कैलविन है गर्मियों में पेंडुलम घड़िया धीमी हो जाती है क्यों अच्छा देखो इसमें एक तो आपकी पेंडुलम एक एग्जाम्पल है ठीक है दूसरा एग्जाम्पल आपकी रेल की पटरियां हैं रेल की पटरियां रेल की पटरी तीसरा एग्जाम्पल है आपकी टंकियां जिनसे पानी निकलता है टोटी जिसे कहते हैं ना टंकी और चौथा एग्जाम्पल है आईफिल टावर आईफिल टावर है ना अब आप याद रखो कि गर्मियों में हमें पता है लास्ट टेन क्वेश्चन देखो परेशान मत हुआ करो आगे पांच सौ क्वेश्चन की भी क्लास होगी मेरी तरफ से तो छुट्टी है ना मेरे जाने तो अभी निकल जाओ लेकिन बाकी थोड़े से क्वेश्चन और रह गए सौ करने हैं एटी वन पे आप पहुंच चुके हो फिर से वही वाली बात जिस गति से है चला तो उस गति को पाएगा अगर धीमी गति से चलोगे तो धीमी चीजें मिलेंगी तेज गति बढ़िया पढ़ोगे थोड़ा आदत डालो पढ़ने की पेंडुलम वॉचेस गर्मियों में धीमी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पेंडुलम होता है वो क्या हो जाता है उसकी लंबाई बढ़ जाती है पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है ऐसे रेल की पटरियों में गैप छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाती हैं समर्स में टेम्परेचर हाई होगा जिससे मेटल की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी कहते हैं कि आईफिल टावर भी जो है ना वो गर्मियों में कुछ इंच के लिए बढ़ जाती है आपकी रेल की पटरियों भी बढ़ जाती है टंकियां भी बढ़ जाती है पेंडुलम भी बढ़ जाता है रेलवे थर्मल एग्जैक्टली exactly, रीना बिल्कुल ये आपका है थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन आपसे इसका एप्लीकेशन या प्रिंसिप प्रिंसिपल एप्लीकेशन प्रिंसिपल पूछेंगे तो आप थ्योरी पूछेंगे तो याद रखिए यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन करके बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है साइफलस गोनोरिया स्कर्वी हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज

इसमें हेपेटाइटिस याद रखिएगा जब आप हेपेटाइटिस ए डी और ई e की बात करते हो डी और ई e, हाँ बी नहीं ए सी और डी की बात करते हो तो वो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है लेकिन जब आप बी और ई e की बात करते हो तो हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है ठीक है फोटो इलेक्ट्रिक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज फुल्ली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने समझाया था आइंस्टीन ने और किस थ्योरी पे समझाया था क्वेंटम थ्योरी पे ठीक है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है सही सुमेलित है ठीक है फॉलोइंग करेक्टली मैच सही सुमेलित है सिल्वर आयोडाइड या हॉर्न सिल्वर को बनाने में इस्तेमाल होता है सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल रेन में इस्तेमाल होता है जिंक फॉस्फाइड रेड पॉइजन है और जिंक सल्फाइड फिलोसफर्स बोल है ये क्वेश्चन ध्यान से दे दीजिएगा मुझे लगता है ज्यादातर गलत ही होगा इसमें एक ही चीज ठीक है बाकी सब गलत है बाकी सब गलत है आर्टिफिशियल रेन में सिल्वर आयरन आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड को यूज करता है सिल्वर क्लोराइड जो है वो हॉर्न सिल्वर में यूज होता है और जिंक प, जिंक सल्फाइड नहीं है जिंक फॉस्फाइड है जिंक फॉस्फाइड जो कि आपका फिलोसफरबुल और जिंक फॉस्फाइड रेड पॉइजन के लिए भी इस्तेमाल होता है खाली सी ठीक है बाकी तीन गलत है ठीक है सी ठीक है बाकी तीन गलत है सिल्वर आयोडाइड सिल्वर क्लोराइड और जिंक uh, फॉस्फाइड तीनों गलत है जिंक फॉस्फाइड जो है वो रेड पॉइजन के लिए यूज किया जाता है चूहे मारने की दवाई कभी गलती से ये नहीं बम्मी ने तो आज हरे रंग का बढ़िया बिस्किट लाके रखा है क्या बताया पर ये नीचे क्यों पड़ा है इस बिस्कुट को हम ही कंज्यूम कर ले ऐसा गलती से भी कभी सोचना नहीं ज्यादा लालच नहीं करते अच्छा इसका फॉर्मूला भी लर्न कर लो जिंक जेड एन ये फॉर्मूला है जिंक फॉस्फाइड का साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ तो हमेशा आपकी जो ध्वनि होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिनको हम तरंगे कहते हैं निम्न में से क्या सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर फॉस जीन में कन्वर्ट हो जाता है ये अभी कोई पूछ भी रहा था शायद मैं उधर इसीलिए नहीं बताया था कि आगे आने वाला है ये क्वेश्चन इसीलिए अपन इसको डिस्कस नहीं किए थे पीछे फॉर्मूला पूछ रहा था कोई फॉस जीन का ना तो जरा बताइए यहाँ पे का फॉर्मूला लिख भी दिया था बच्चों ने तो यहाँ पे सी इसको लिखने का तरीका बड़ा अच्छा बॉन्डो सी डबल एल ये फॉर्मूला होता है और इसमें बहुत अच्छी सी चीज है कि एक बार इसमें एंगल भी पूछा गया था आपके मैंने अमेरिका आई आई टी के एग्जाम में ना इसको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पूछा हुआ था तो याद रखिए कि जो हमारी क्लोरोफॉर्म होती है वो बनती है जब वो सूरज के साथ रोशनी में आ जाती है तो हमप्री डेवी जिन्होंने काफी जॉन डेवी जॉन डेवी जिन्होंने काफी ज्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया उन्होंने इसको डिस्कवर किया था तो क्लोरोफॉर्म जो होती है सी एच सी एल थ्री जिसे आप कहते हो वो यहां पे अगर सनलाइट के यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में आ जाती है तो हमेशा ये बना देती है फॉसजीन फॉसजीन का फॉर्मूला क्या है सीओ सी एल टू सीओ सी एल टू ठीक है सीओ सी एल टू यानी कि एच सी एल बाहर निकल गया सीओ सी एल टू कैसे बन गया सी एच सी एल थ्री से जब आपका एच सी एल बाहर हो गया और ऑक्सीडेशन हो गई यानी कि ऑक्सीजन एड हो गया राइट right. हाँ ये वही दवाई है क्लोरोफॉम जिसमें हाँ, जिसमें पुरानी मूवीज में हैंकी में इसको ऐसे ऐसे करते थे यूं 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 करते थे और ओमनी जो गाड़ियां होती थी वैन उनमें बिठा के चले जाते थे है ना ये वही वाला फॉस्फोरस है जो धूप में अब उन्हें और उनकी जो उनका जो बोतल है ना वो आपको क्लोरोफॉर्म की बोतल ही नजर आ रही पता नहीं कहाँ से हैंकी ऐसे जेब जेब से निकालते थे उसमें पहले से ही जो है ना वो क्लोरोफॉर्म लगा हुआ है अब इस अगले को ये बता रहा कि तू बेहोश क्यों नहीं हुआ जब जेब में रख के हैंकी को घूम रहे क्लोरोफॉर्म को हमेशा लैब के अंदर ना डार्क बॉटल्स में रखा जाता है जैसे काली बोतल होती है ना उनमें रखा जाता है काली या हरी ताकि यूवी रेडिएशन जो है वो इसको ज्यादा मतलब अफेक्ट नहीं करे और हमेशा देखो आपकी लैब में ना दो सेगमेंट होते हैं एक लैब में खुले केमिकल्स रखे अगर आप में से कोई बी वगैरह में केमिकल्स टच किया हो तो आपको पता है लैब गए हो तो एक होता है खुले में सब चीज पड़ी है ठीक है एक होता है खोपचा सा जिसमें से वो लैब असिस्टेंट आपको बहुत नखड़े दिखा के ना कुछ देंगे तो उसमें से एक ये भी होता है HCl, H2SO4 और क्लोरोफॉर्म भी होता है जो यहाँ पे इसको रख दिया ठीक है तो याद रखिए क्लोरोफॉर्म करके हो गया हाँ वही हेरा फेरी वाला ए क्या तू चोर बनेगा गेट खोल के जा रहा है मेरा मतलब हेरा फेरी इस मामले में बहुत ही अल्टीमेट मूवी है कि गेट का लॉक तो लगाया नहीं तो क्या ही चोर बनेगा यहाँ पे है ना वैसे वाला चले वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर क्या होता है जब हम अर्थ फॉर्म केचुए जो होते हैं उनको इस्तेमाल करके खाद बना रहे हैं तो वर्मी कल्चर इज एक्चुअली वर्मी कंपोज बनाना खाद बनाना केचुए को इस्तेमाल करके ऐसे करके याद रखना है ठीक है वट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉड्यूल अभी पीछे था और तब आपने ऑप्शन भी दिया था बताइए क्या था हाँ डार्क बॉटल्स को यूज किया जाता था ना ये बताइए वट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यंग्स मॉड्यूल यंग्स मॉड्यूल की क्वांटिटी क्या है यंग या पे ये था ना पास्कल अभी पीछे बताया था इनमें से कौन सी पास्कल की यूनिट नहीं है तो इनर्जी आपको आंसर हटाना था तो यंग मॉड्यूल में पास्कल तो होगा ना पास्कल करके याद रखिए ये जो सिविल इंजीनियर के लोग ये इसको ज्यादा जानते हैं नाइक्रोम नाइक्रोम किसका नाएक्रों से बनता क्या है? पहले ये देख लो जो अवन होते हैं ना आपके माइक्रोवेव या अवन जो होता है उनमें जो आपका हीटिंग प्रोड्यूस की जाती है हीटिंग जो लाई जाती है वो नाइक्रोम से बनती है किससे बनती है नाइक्रोम नाइक्रोम अलॉय है जो निकल क्रोमियम से मिलके बनेगा हालांकि पूरा नहीं है निकल क्रोमियम नाइक्रोम में खुद में उसका पूरा जो है ना वो आंसर लिखा रहता है कहती ना कुछ क्वेश्चन अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं इसमें देखो नाइक्रोम निकल क्रोमियम आयरन और मैगनीज आयरन मैगनीज मैगनीज तो आज से याद रखना आपको ये पूरा नाइक्रोम चार चीजों का मिलके बना होता है निकिल क्रोमियम मैगनीज एंड और आयरन का बस आप ई e लर्न कर लो ठीक है याद रखना निकेल क्रोमियम मैगनीज आयरन चार चीजों से बनाए सी ऑप्शन पे क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो सी ऑप्शन जाएगा सीवी रमन गॉड दोवेल प्राइज उन्नीस सीवी रमन जी को नोवल प्राइज कौन से साल में मिला था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए मिला था है ना? प्रकाश का किया था जिसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है ठीक है सीवी रमन जी को भारत रत्न भी दिया था थर्मोकपल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो सी इफेक्ट करके याद रखिए सिंपल क्वेश्चन है सेट आंसर है यही होना है सी वो फिना होता है जहां पे दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के अंदर एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर नोट किया जाता है निम्न में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सके मजेदार क्वेश्चन था पूछ तो रहा था इसको ग्रुप डी ने पूछा था ये क्वेश्चन ग्रुप डी ने पूछा था जरा देखते हैं अपने क्लास के बच्चे कितना इसका सही आंसर दे पाएंगे बताइए विच ऑफ दी फॉलोइंग एनिमल कैन लिव फॉर दी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वॉटर पानी पिए बिना सबसे लंबी अवधि तक इनमें से कौन सा जानवर रह सकता है अगर आप आंसर सीबे के फैक्ट समझ आ गया ना फिनोमिना इन विच अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस प्रोड्यूस आप वोल्टेज डिफरेंस मतलब एक ही टेम्परेचर पे दो अलग अलग कंडक्टर एक टेम्परेचर uh, को प्रोड्यूस कर रहे तो हम उसे सीवे कहते हैं इसमें अगर आ, आंसर आप ऊंट दे रहे हैं ना तो आप गलत दे रहे भारत के हिसाब से सोचना है क्या अभी राजस्थान हो गए हैं छठी क्लास से पढ़ाया जा रहा है कैमल अपने हम्प में स्टोर करके रखता है कैमल आंसर इसमें नहीं है कंगारू इसमें आंसर नहीं है इसमें है कंगारू चूहा ये ये ग्रुप डी ने पूछा था ये ग्रुप डी ने पूछा था आंसर कंगारू रैट है इसका कंगारू चूहा है है ना ऐसे खेलती है रेलवे आंसर क्या है और कोई ना ऐसे मतलब कोई पूछे तुम्हारा कौन सा आंसर गलत हुआ हमारा वो हुआ जिसमें लिखा था कौन सा जानवर बहुत लंबे टाइम तक पानी पिए बिना रह सकता है और आपने कैमल लिख दिया यही करके आ गया भाई क्या करके आ गया पिटने वाला ये आप याद रखिए कि सबसे बड़ा कंगारू रूट जो है ना ये आपका बहुत कंगारू रेट सॉरी कंगारी कंगारू रेड एक तो कंगारू ऊपर से चूह अजीब सा नाम नहीं है कंगारू रैट उछल उछल के चलता होगा ना ये ऐसे बम करके इसलिए कंगारू रैट जो है ये मैक्सिमम टाइम तक कहते हैं कि 18 दिन तक ये जो है ना वो बिना पानी के रह सकता है फॉर द 18 डेज ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एक चीज याद रखिएगा भारत में पाया नहीं जाता अपन आंसर से भारत के हिसाब से देखते हैं इसको पानी पीने की जरूरत ही नहीं होती नो नीड टू ड्रिंक द वॉटर एट ऑल ये जो खाना खाता है ना उसी से ये पानी को पूरा निकाल लेते तो अठारह दिन तो कहते हैं दिन for the 18 days, it never drinks the water. दिन फॉर द द डेज इट नेवर ड्रिंक्स भाई बिना पानी उसके उसके बिना पानी पानी के के उसके उसके वाला बाद भी ये रह सकता है कई दिनों तक तो कंगारू रेड करके याद रखिए इसमें कैम अपने हिसाब से नहीं देना हम तो जोधपुर जैसलमेर देख के आए थे उसके बाद हमारी किताबों में तो हमेशा कैमल के बारे में होता है उसको भी पानी चाहिए होता है कैमल को दो तीन दिन में पानी चाहिए होता है ठीक है चलिए नाइनटी क्वेश्चन भाई सौ क्वेश्चन तक बैठना है ज्यादा भागना नहीं है इनमें से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी मतलब जो आपकी डायरेक्टली काड़ी वगैरह से नहीं निकलते हैं पर वो मिक्स होते हैं फिर बनते हैं तो स्मोक कार्बन मोनोऑक्साइड सीधा गाड़ी से निकल रहा है डाइऑक्साइड जलाने पे निकल रहा है लेकिन स्मोक होता है जो पहले सेकेंडरी प्राइमरी बनता है फिर वो आपके एयर में मिक्स होगा फिर वो स्मोक बनाएगा इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है नहीं है ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस है क्या नहीं है पूछा है ना नॉट ऑक्सीजन नहीं है नाइट्रोजन नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी नहीं होती है ठीक है वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन ये ग्रीन हाउस गैसेज होती है तो so, इस क्वेश्चन में आंसर ऑल ऑफ द लिखना है मतलब इनमें से कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक है वुड स्पिरिट क्या होता है वुड स्पिरिट मिथाइल एल्कोहल वुड स्पिरिट क्या होती है मिथाइल एल्कोहल सी एस थ्री यूएच मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा सी एच थ्री OH होगा OH. टंगस्टन, 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 टंगस्टन आपके बल्ब में होता है और बल्ब अबाना बंद हो गए जो पहले बल्ब आते थे उसमें टंगस्टन होता था इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसको यूज किया जाता था लेकिन अब ये जो है वो टंगस्टन को यूज नहीं किया जाता है उसमें भी तो टंगस्टन करके याद रखिए बाकी स्टेनलेस स्टील इज गुड एज की तरह यूज करिए घर में बर्तन स्टेनलेस स्टील के यूज करिए बाकी चीजों के नहीं टंगस्टन याद रखिए जब शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं लड़कों ने तो ये किया ही होगा शेविंग ब्रश शेविंग करो पानी में डुबो और बाहर निकालोगे तो जब पानी में होगा तो अच्छा ऐसे आप टूथब्रश भी देखो ना सॉफ्ट वाले टूथ ब्रश होता है पानी में डालोगे तो ऐसे फैल जाएंगे पानी से बाहर निकालोगे तो वो आपस में चिपक जाएंगे किसके लिए सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन न्यूटन का गति संबंधी अवधारणा देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया जड़त्व का मतलब क्या है अपनी जड़े नहीं खोजनी अपनी जड़े नहीं खोदनी अपने हाथों से ठीक है बॉडी इन रेस्ट रिमेन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन इन रेस्ट बॉडी एट मोशन विल रिमेन इन मोशन रहेगी एक, वस्तु वस्ता आराम में रहे एक वस्तु में रहे जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा आंसर पीछे सरफेस टेंशन था विस्कोसिटी नहीं क्रिकेट बॉल स्विंग्स कैन बी एक्सप्लेन बाय विच थ्योरी तो न्यूटन का दूसरा लॉ मोमेंटम इज इक्वल टू मास into velocity. ये न्यूटन का दूसरा लॉ है ठीक है विच लेयर ऑफ अर्थ एसफेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो टू द अर्थ सरफेस लास्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापिस पृथ्वी की सतह पर परावर्तित कर देती है आ, हीट आई सूरज से फिर वापिस गई फिर वो वापिस आ गई किसकी वजह से आती है <coughs> अच्छा ये आपका स्विंगिंग ऑफ वॉल है ना इसको मोटा होना नहीं कहते इसको बोलते हैं एज हो गई है जब एज होती है ना तो आदमी में इफेक्ट पड़ते हैं ठीक है, है? मोटा पतला पहले देख लो पढ़ाई तो देखी नहीं पढ़ाई ये एक ने भी नहीं बोला होगा कि मैम दो साल बाद आपकी अच्छा नॉलेज और भी बढ़ गया है दो साल तीन साल बाद आप अच्छे से पढ़ा रहे हो ये तो एक भी नहीं बोल रहा मोटा पतले की पड़ी है वेच ले आ क्या ही फर्क पड़ता है हा? क्या फर्क पड़ता है इनमें से कौन सा जो है ना देखो अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम भी लाया होता ना तो ये क्लास फिर ना दो घंटा ढाई घंटा तो हो गया ढाई घंटे से और ज्यादा की हो जाती इसीलिए एक डायग्राम के साथ क्लास जो है वो आपकी हर वीक पे होगी ना तो आप मंडे से जब पढ़ोगे तो वो डायग्राम के साथ ही होगी कल भी आना है आठ बजे कल हम जो है ना वो ह्यूमन आई पढ़ेंगे एनी विच वेस यहाँ पे जो आंसर होगा वो आयनोस्फेयर होगा ठीक है आयनोस्फेयर आयन स्पेयर तो पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे आयन है तो लाइट सूरज से आई फिर वापस जाने की कोशिश की पर आयनोस्फेयर से क्या हो गई फिर से जो है वो अर्थ के अंदर आ गई ठीक है तो ये याद रखिए रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की सतह पर परिवर्तित कर देता है तो जब मैं आपको पहले पढ़ा रही थी तब मैं जॉब नहीं कर रही थी अब मैं जॉब कर रही हूँ जिस जॉब ने मेरे नौ से छह चर पर बिठा के मुझसे क्वेश्चन करवाए हैं चलिए पहली बार बहुत टाइम बाद ढाई घंटे की क्लास हुई है मैंने भी लिया बट ये क्लासेस अब आपकी कंटिन्यू रहेंगी ये इसकी तरफ इशारा है हर सैटरडे संडे आप लोगों के लिए इसी तरीके के सेशन होने वाले एंड अगले संडे फॉर श्योर वी आर गोइंग टू डू हमारे जो आ, आपका पीरियडिक टेबल है उसके 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू लेकिन उससे पहले पूरे हफ्ते आपकी दो क्लासेस होने वाली हैं एक साइंस का टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपका चलेगा जिसमें हर मंडे टू फ्राइडे मतलब मंडे टू फ्राइडे यू आर गोइंग टू कवर इट विद मी विद एट एट पी कल से जरा आठ पी पे आ जाइए 8 PM पे मतलब मंडे को मंडे को आठ पीएम जैसे आ जाए थे तो मंडे टू फ्राइडे एट पीएम पे टॉपिक वाइज थ्योरी है जिसमें हम बायो के साथ शुरू कर रहे हैं सारी ब्रांचेस और उस क्लास का नाम है साइंस टॉप फिफ्टी ठीक है साइंस टॉप फिफ्टी साइंस टॉप फिफ्टी का मतलब क्या है कि मैं एक टॉपिक से ऐसे पचास क्वेश्चन निकाल के आऊंगी जिसके अलावा वो चीज फिर बचती नहीं है मतलब उन पचास क्वेश्चन में पूरा थ्योरी जो है ना वो कवर हो जाएगा ये पूरा यहाँ पे तो साइंस टॉप थ्योरी उसके अलावा इस वीक में पूरा पीरियोडिक टेबल के आपके पास ये वीडियोस आने वाले हैं तो सुबह नौ बजे हर दिन ये थ्योरी वीडियो आ जाएंगे और यस ये मैंने हटाया नहीं है कोई बच्चा पूछ रहा था अरे मैम आपने बोला था तो दिस इज फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट वीक शनिवार को रखते हैं इसका ठीक है अपना शनिवार का टाइम टेबल रखेंगे शनिवार को ये करना है पीरियोडिक टेबल इन वन शॉट 200 क्वेश्चन लाइव एट एट पीएम सैटरडे और कल की क्लास में ह्यूमन आई कवर करना है बाकी आप बोलो तो रिवाइज भी कर सकते हो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हाँ आप ह्यूमन आई uh, कल कर लो मेरे साथ उसका सेशन इतना बड़ा नहीं होगा दो ढाई घंटे का नहीं होगा ह्यूमन आई विल कवर इन वन और आवर फिफ्टीन मिनट ठीक है एक से सवा घंटे में कवर कर लेंगे ह्यूमन आई तो ये कवर हो जाएगा लेकिन हाँ क्योंकि इस क्वेश्चन मुझे पता है यहाँ से एक क्वेश्चन आप आगे भी कोई एग्जाम अभी किसी का बिहार बिहार के भी कुछ एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है थैंक यू प्रिंसी थैंक यू एक आदि है ना एक आदि देखो लड़के तो फिर नहीं बोलेंगे लड़के तो बस लड़के ना बस ये देखेंगे अरे मैडम मोटी हो गई मैडम पतली हो गई मैडम के बाल कट गए मैडम के बाल बड़े हो गए अरे बाप रे ये क्या ही ना, तो है ना लड़कियां तो बोलती है कम से कम चलो अच्छी बात है लड़कों से तो क्या ही उम्मीद करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लड़के तो पढ़ ले और एग्जाम क्वालिफाई कर ले इसकी हमको ज्यादा जरूरत है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये आपके फाउंडेशन बैच में भी चल रहा है आप रेलवे का फाउंडेशन बैच डिटेल में आप यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे मैं आपकी टॉपिक वाइज थ्योरी करा रही हूं यानी कि अभी हमने यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू किया गया है जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल मैंने कवर किया है तो ये पूरा यहाँ पे आपको कवर करेगा मतलब दिस विल हेल्प यू आउट पी वाई क्यूस में आपको पहले ही मिल जाएंगे ई बुक आपको मिल जाएगी नुमेरिकल्स वगैरह हम कवर करेंगे तो ये क्लास उन बच्चों के लिए जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड के और इससे पहले उन्होंने तैयारी नहीं की है पहली बार रेलवे के लिए निकले अपने घरों से एकदम ताजा ताजा बच्चे निकले भाप निकलते हुए साइंस पता ही नहीं है क्या होता है उन बच्चों के लिए थ्योरी की क्लासेस है एनी क्लास ट्वेंटी आप डाउनलोड कर लो पे पीडीएफ और टेस्ट भी भी होते हैं बहुत सारे तो वो आप आप कर सकते हो और यहां से आप ना क्लास एनरोल करके देखना शुरू कर दो ठीक है ये आप जो है ना ये आपका जो हेल्प है ना मतलब ये क्लास आपको याद रखिए कि दिस सेशन गोज एट सेवन टू एट हर दिन आपका जो जनरल साइंस का ये फाउंडेशन बैच चलता है वो सात से आठ चलता है और फिर उसके अलावा उसके बाद आपका आठ बजे एमसी का बैच चलेगा साइंस का याद रख लीजिए कि जब हम टॉपिक वाइज एमसी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प जो है वो आपका करेगा यहाँ पे बाकी इन विच आप क्लास ट्वेंटी डाउनलोड कर लीजिए और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए उनको कर लीजिए कल आठ बजे आ जाइए इस चैनल के ऊपर मेरी एक क्लास साइंस की आठ बजे अब से मतलब पहले तो जीके हो रही थी पर अब से आठ बजे साइंस की एक क्लास जो है वो फिक्स है तो पहले आप सिर्फ आठ बजे आ जाइए बाकी टाइम टेबल वहां से पता लग जाएगा और अगले हफ्ते पूरा मंडे टू फ्राइडे द पीरियोडिक टेबल के कुछ पांच वीडियो आएंगे थ्योरी के वो यहाँ पे देखने हैं और उसके बाद क्वेश्चन जो है ना वो आपके कवर हो जाएंगे है ना तो ये चीज थोड़ी हेल्प करेगी आपको ये पूरा आपको हेल्प करेगा पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और आपको यहाँ ऐप आप पे भी मिल जाएगा और साथ में इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा तो आप कहीं से भी ले लीजिए पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हो है ना उसके बाद पीडीएफ आप किसी वीडियो के नीचे दस मिनट के अंदर अपडेट हो जाएगी आप वहां से डाउनलोड कर लो आपको लिंक मिलेगा वहां लिंक पे जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना या फिर आप क्लास ट्वेंटी डाउनलोड कर लो वो भी हो जाएगा क्लासेस आपकी सीक्वेंस में होंगी पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं हम पौधी दो हजार से तेईस क्या पूछा फिर शाम को आठ बजे हम बायो के साथ शुरू कर रहे हैं सुबह पीरियोडिक टेबल चल रही है संडे को पीरियोडिक टेबल के दो क्वेश्चन है संडे सैटरडे को नेक्स्ट वीक चैप्टर या फिजिक्स के फॉर्मुले करेंगे तो वो भी आपको बता दिया जाएगा ठीक है अभी के लिए थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच फॉर लाइक टू द क्लासेज है ना uh, ये क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको मिलती हूँ कल आठ बजे और डेली के सेशन में थैंक यू सो मच डेली आठ बजे इस चैनल पे आप मुझे देखोगे ढूंढ लोगे इस चैनल पे आप आ जाना आठ बजे मैं आपको पांच दस मिनट